Yes. ठीक है, कल कहाँ थे, हमने क्या क्या चीजें कवर की थी? बेसिक S3 का इंट्रोडक्शन लिया था, राइट? कि ब्लॉक स्टोरेज क्या होता है, ऑब्जेक्ट स्टोरेज क्या होता है, किसी ने एक्सप्लोर किया कोई एडिशनल पॉइंट्स, किसी को पता चले, ऐसा कुछ है? हम लोग ज्यादा वेट नहीं करेंगे, अगर आपको कुछ बताना होगा ना तो जल्दी से बता दिया करो, ठीक है? तो ब्लॉक स्टोरेज, ऑब्जेक्ट स्टोरेज कवर किया था हमने, AWS को इंट्रोड्यूस किया था थ्योरेटिकली, ठीक है? बकेट्स, ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं देखे थे हमने, कि दे फॉर्म द बैकबोन ऑफ योर S3 स्टोरेज, कि बकेट्स का नेमिंग कन्वेंशन कैसा होता है, ग्लोबल यूनिक नेम होना चाहिए, दे आर डिफाइंड एट रीजनल लेवल, ये सब चीजें देखी थी हमने. व्हाट आर ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट की क्या होती है वो भी देखा हमने, S3 URI जैसे होता है ये, ठीक है? ये थ्योरी हो गई. थोड़े बहुत फीचर्स भी देखे हमने, व्हाट इज ड्यूरेबिलिटी वो देखा हमने, S3 वर्जनिंग देखा, वर्जनिंग हम लोग डेमोन्स्ट्रेट करेंगे आज, ठीक है? ओके, S3 एक्सेस लॉग्स हमने अब तक देखा नहीं है, राइट? तो हम लोग देखेंगे, अभी बकेट के प्रॉपर्टीज में आएगा वो, हम लोग देखेंगे व्हाट इज S3 एक्सेस लॉग, रेप्लिकेशन क्या है, स्टोरेज क्लासेस, ये थोड़ा डिटेल में देखना है, क्योंकि ना इस पे लाइफ साइकिल रूल्स और इस पे काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्योंकि ये कॉस्ट मैनेजमेंट के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है? इसके 6 टाइप है, तो वो देखेंगे थोड़ा डेप्थ में. ये बेसिक चीजें हैं, S3 ऑब्जेक्ट लॉग, ग्लेशियर वॉल्ट लॉग, ये थेरेटिकल चीजें हैं. आई एम एक्सपेक्टिंग यू गाइज टू एक्सप्लोर इट ऑन योर ओन, ठीक है? तो ये बड़ा पॉइंट रहेगा, S3 सिक्योरिटी, ठीक है? तो ये काफी थेरेटिकल है चीज ये, लेकिन काफी इंपॉर्टेंट है. जब आपको आर्किटेक्चरल क्वेश्चन पूछे जाते हैं इंटरव्यूज में, तो इस पे काफी फोकस होता है, क्योंकि सबका कंसर्न सिक्योरिटी होता है, ठीक है? तो यू नीड टू नो दिस थिंग्स, तो हम लोग इसके बारे में भी देखेंगे आज, ठीक है? सो एज आई टोल्ड यू कि हम लोग ना आज थोड़ा प्रैक्टिकल से थ्योरी में आते हैं, ठीक है? तो हम लोग अभी पहले बकेट बना लेते हैं, ठीक है? सो लेट्स क्रिएट अ बकेट. हमारा रीजन, ठीक है, टॉपिक के लिए तो ग्लोबल है, तो हम लोग बकेट क्रिएट करते समय, हाँ, तो बकेट शुड हैव अ ग्लोबली यूनिक नेम, राइट? तो मैं इन जनरल ना खुद के नाम का शॉर्ट फॉर्म डालने का प्रिफर करता हूँ. एक नेमिंग कन्वेंशन फॉलो कर लो, सो दैट ईच टाइम यू डोंट नीड टू थिंक ऑफ अ यूनिक नेम. देखते हैं यूनिक है या नहीं. नॉर्थ वर्जीनिया में लॉन्च कर रहा हूँ मैं, ठीक है? यहाँ पे देखो ऑप्शन दिख रहा है आपको, एक अभी बता देता हूँ, कॉपी सेटिंग्स फ्रॉम एग्जिस्टिंग बकेट, ठीक है? तो आप क्या कर सकते हो पता है क्या, आप नई बकेट बना रहे हो ना, आपकी कोई एग्जिस्टिंग बकेट है, उसमें ना आपके सारे कॉन्फिग्रेशन किए हुए हैं और आपकी कंपनी में वो कंप्लायंस नॉर्म्स है, ठीक है? कि ऐसे टाइप के लाइफ साइकिल रूल्स होंगे, हम लोग देखेंगे आगे क्या क्या चीजें होती है कॉन्फिग्रेशंस में. तो यू कैन डायरेक्टली कॉपी द सेटिंग्स फ्रॉम एग्जिस्टिंग बकेट ऑल्सो. यू विल चूज अ बकेट, उस पे जो भी बकेट की सेटिंग्स लगी है ना, वो यू विल डायरेक्टली इनहेरिट हियर, ठीक है? तो ये एक ऑप्शन है जो आपको पता रहना चाहिए. ऑब्जेक्ट ओनरशिप, अभी के लिए हम लोग ऑब्जेक्ट ओनरशिप ACL डिसेबल्ड ही रखते हैं. व्हाट आर ACLs, व्हाट दो फुल फॉर्म इज एक्सेस कंट्रोल लिस्ट, व्हाट आर दोस, हम लोग देखेंगे आगे, ठीक है? ब्लॉक ऑल पब्लिक एक्सेस सेटिंग्स फॉर दिस बकेट. तो यहाँ पे ना हम लोग ये अनटिक करके एक एक समझते हैं, ठीक है? तो ये क्या है, एक डायरेक्टली डायरेक्ट ऑप्शन है जिससे आप ना पूरा पब्लिक एक्सेस ब्लॉक कर सकते हो. टर्निंग दिस सेटिंग ऑन दिस ऑन इज द सेम एज टर्निंग ऑन ऑल 4 सेटिंग. हाँ ठीक है, तो ये 4 ऑप्शन क्या है बताइए क्या? ACL से कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर पब्लिक एक्सेस ग्रांट कर रहा है तो भी ब्लॉक करेगा, ठीक है? ब्लॉक पब्लिक एक्सेस टू बकेट एंड ऑब्जेक्ट ग्रांटेड थ्रू ACLs, ब्लॉक पब्लिक एक्सेस टू बकेट्स एंड ऑब्जेक्ट ग्रांटेड थ्रू एनी ACL, ये न्यू ACL या एनी ACL, न्यू पब्लिक बकेट और एक्सेस पॉइंट पॉलिसी. ये हमें समझ में आएगा आगे चीजें, कि बकेट के एक्सेस के लिए
कौन कौन सी चीजें अवेलेबल है। तो यहाँ पे ना आप यहाँ पे देखोगे ऑप्शन, हाँ आई डोंट थिंक, हाँ देखो तो यहाँ पे बकेट पॉलिसीज और एक्सेस कंट्रोल लिस्ट से ना आप सिक्योरिटी में पॉइंट दिख रहा है आपको कि बकेट पॉलिसीज से कैसे रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं बकेट का एक्सेस। एक्सेस कंट्रोल लिस्ट में दो ऑप्शन है कि बकेट लेवल एक्सेस कंट्रोल लिस्ट, ऑब्जेक्ट लेवल एक्सेस कंट्रोल लिस्ट। तो देर आर डिफरेंट वेज टू डिनाई द एक्सेस और ब्लॉक एक्सेस टू योर बकेट और इनेबल एक्सेस टू योर बकेट। ठीक है, तो वो देखेंगे हम लोग एक साथ ऑप्शंस। ठीक है, तो अभी के लिए ना ये चार पॉइंट हम लोग फिर से रिविजिट करेंगे क्योंकि हमें ना जब कल हम लोग रेप्लिकेशन रूल्स का डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे तब हमें ना बहुत सारे एरर आएंगे। जानबूझ के हम लोग कुछ एरर डायरेक्टली एड्रेस नहीं करेंगे, विल ट्राई इट आउट और एरर आएंगे उसको रिजोल्व करेंगे फिर से। ठीक है, तो उस टाइम पे आपको समझ में आ जाएगा ये क्या है चीज। ठीक है, तो अभी के लिए हम लोग ब्लॉक करके रखते हैं इसको। बकेट वर्जनिंग, ठीक है, हमने देखा व्हाट इज वर्जनिंग। वर्जनिंग समझ में आया सबको कि क्या होता है वर्जनिंग? कुछ भी समझ में आया यस सर, वर्जनिंग आना, क्या होता है वर्जनिंग वैसे किसी को बताना होगा तो? वर्जनिंग इज मींस इफ यू हैव क्रिएटेड अ बकेट टुडे, यस देन व्हाट विल बी द चेंजेस हैपन इन दैट बकेट टुमारो, दैट विल बी द सेकंड वर्जन ऑफ दैट बकेट, सो दैट इज अ वर्जन। मींस व्हाट एवर चेंजेस हैपनिंग इन द पर्टिकुलर वर्जन विल बी क्रिएट द नेक्स्ट वर्जन ऑफ दैट पर्टिकुलर वर्जन, दैट इज द वर्जनिंग। तो बेसिकली ना बकेट वर्जनिंग मतलब इट इज नॉट एप्लीकेबल टू योर बकेट, इट इज एप्लीकेबल टू योर ऑब्जेक्ट स्टोर्स, राइट? तो ये ओके, हाँ देखो, यहाँ यस तो नया बकेट नहीं क्रिएट होगा, तो उसके अंदर के जो ऑब्जेक्ट्स है ना, अगर उसके ऑब्जेक्ट्स में आप कुछ मॉडिफिकेशन करोगे तो अभी का जो मॉडिफिकेशन के पहले का वर्जन है वो एक वर्जन वन रहेगा। ठीक है, और अभी चेंजेस हो गए वो करंट वर्जन रहेगा। ठीक है, तो अब टर्मिनोलॉजी देख लो क्या होता है, पता है क्या? अभी एट दिस पॉइंट एक सेल्स डॉट सी एस वी करके फाइल है मेरे बकेट में, तो अभी का वर्जन उसके लिए करंट है, लेकिन उसमें अभी चेंजेस हो गए ना, तो सेल्स का सेकेंड वर्जन, सेल्स डॉट सी एस वी का सेकेंड वर्जन आ गया। मतलब जो सेकेंड वर्जन है उसके लिए करंट वर्जन है और उसके पहले का जो वर्जन है उसको नॉन करंट हम लोग बोलते हैं। ठीक है, नॉन करंट वर्जन बोलते हैं। तो ये चीज क्यों समझ में आनी चाहिए हमें ना, ये चीज है लाइफ साइकिल रूल्स और उसमें थोड़े से ये टर्मिनोलॉजी यूजफुल होती है। अब भी आपने बोला इसलिए मुझे याद आया, इसलिए मैंने बता दिया। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, पढ़ लो। वर्जनिंग इज अ मीन्स ऑफ कीपिंग मल्टीपल वेरिएंट्स ऑफ ऑब्जेक्ट इन अ सेम बकेट। देखा आपने, मल्टीपल वेरिएंट ऑफ ऑब्जेक्ट नॉट द बकेट, राइट? बकेट तो एक ही रहे। बकेट लेवल आप वर्जनिंग जब इनेबल करते हो तो इट इज अप्लाइड टू योर ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, यू कैन यूज वर्जनिंग टू प्रिजर्व, रिट्रीव एंड रिस्टोर एवरी वर्जन ऑफ योर ऑब्जेक्ट स्टोर्ड इन S3 बकेट। विथ वर्जनिंग यू कैन इजिली रिकवर फ्रॉम बोथ अनइंटेंडेड यूजर एक्शंस एंड एप्लीकेशन फेलियर। ये देखा हमने कि अनइंटेंडेड डिलीट्स एंड ऑल इससे प्रिवेंट करता है हमें वर्जनिंग, राइट? हमने ये पॉइंट डाला था कि इसमें यस सर, यस ठीक है, डाला था, राइट? हाँ, टू प्रिवेंट डेटा लॉस बाय रिवर्टिंग इट टू प्रीवियस वर्जन, ये डाला था, राइट? ठीक है, कुछ कुछ चीजें ना S3 के मैनेजमेंट कंसोल के नीचे जो एक्सप्लेनेशन होता है ना वो बहुत ज्यादा सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होता है। ठीक है, तो अभी के लिए इनेबल कर देते हैं हम लोग बकेट वर्जनिंग। ठीक है, ये देखो इनक्रिप्शन। तो इनक्रिप्शन क्या है, मतलब व्हाई डू यू नीड इनक्रिप्शन? किसी को पता है व्हाई डू यू नीड इनक्रिप्शन? सिक्योर द डेटा, सिक्योर द डेटा, ठीक है। तो हाइडिंग एक्चुअल इंफॉर्मेशन फ्रॉम अदर यूजर्स। यस, एक्चुअल इंफॉर्मेशन, यस ठीक है, बराबर। यू विल हैव एक्सेस टू, इफ यू हैव एक्सेस टू फाइल ऑल्सो अंटिल एंड अनलेस यू हैव इनक्रिप्शन कीज यू विल नॉट बी एबल टू डिक्रिप्ट दैट डेटा, राइट? यस सर, ठीक है, तो इनक्रिप्शन में ना बहुत सारे टाइप है। हम लोग सिक्योरिटी का थ्योरी पढ़ेंगे ना अभी, तो उसमें ये कवर करेंगे। देखो यहाँ पे एक पॉइंट है S3 सिक्योरिटी में, सिक्योरिटी एट रेस्ट एंड सिक्योरिटी इन ट्रांजिट। ठीक
ठीक है, तो अभी के लिए हम एक ओवरव्यू ले लेते हैं एटलीस्ट, ठीक है। तो देखो, सिक्योरिटी एक S3 एक स्टोरेज सर्विस है, राइट? तो कहाँ कहाँ पे आपको, एट व्हाट पॉइंट यू नीड टू सिक्योर डेटा? जब डेटा स्टोर्ड है S3 में, उसे बोलते हैं हम लोग डेटा एट रेस्ट। समझ में आ रहा है? वो डेटा एट रेस्ट है, ठीक है। तो डेटा एट रेस्ट की जो सिक्योरिटी है, वो उसको हम लोग सिक्योरिटी एट रेस्ट बोलते हैं। और देर आर 3 डिफरेंट वेज टू इंश्योर दैट सिक्योरिटी, ठीक है। तो ये जो देखो, यूजिंग AWS की मैनेजमेंट सर्विस, एक सर्विस है AWS की, जो KMS बोलते हैं हम लोग, की मैनेजमेंट सर्विस। व्हाट व्हाट इट डज इज, वो एनक्रिप्शन कीज प्रोवाइड करती है, ठीक है। तो एनक्रिप्शन कीज से आपका जो डेटा एट रेस्ट है वो एनक्रिप्ट होता है, ठीक है। दूसरा है S3 सर्वर साइड एनक्रिप्शन, ठीक है। सर्वर साइड एनक्रिप्शन S3 मैनेज होता है, ये S3 मैनेज कीज होती है, ठीक है। तो आपको ना खुद से KMS में खुद से कीज मैनेज करनी पड़ती है ऑन योर मतलब ऑन योर ओन, लेकिन ये S3 सर्वर साइड इंक्रिप्शन S3 मैनेजर, उसका नाम ना थोड़ा देखते, एक सेकंड ना। यहाँ पे ही नाम होगा उसका, SSE करके कुछ नाम, S3 मैनेज कीजिए, देखो सर्वर साइड इंक्रिप्शन में मैंने ना लिखने में गलती कर दी। ठीक है, तो ये S3 ही कीज मैनेज करता है एनक्रिप्शन की, मींस होल एंड सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एनक्रिप्शन एट डेटा एट रेस्ट। इफ यू चूज सेकंड ऑप्शन, देन S3 विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग योर कीज ऑल्सो। इफ यू ऑप्ट फॉर KMS ऑप्शन, यू विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग योर कीज। ये क्लाइंट साइड इंक्रिप्शन है ना, क्लाइंट साइड इंक्रिप्शन, ये ना आपको कंसोल में नहीं मिलता है, ये एक प्रोसेस है, ये कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। तो क्लाइंट साइड इंक्रिप्शन में क्या होता है पता है क्या? आप एक सर्वर साइड इंक्रिप्शन का ही इंक्रिप्ट की यूज करते हो KMS की, लेकिन आप ना जब डाउनलोड कर रहे हो वो चीज, या फिर अपलोड कर रहे हो CLI से या फिर Boto3 से, हम लोग आगे देखेंगे Boto3 क्या होता है, ठीक है। तो आप जो कमांड फायर करते हो ना, वहां पे डिक्रिप्ट का एक ऑप्शन होता है, यू यूज दैट ऑप्शन एंड यू ऑल्सो प्रोवाइड अ की, ठीक है। तो ये जो एक्शन है ना, वो आपको सिर्फ CLI और Boto3 से ही अवेलेबल है, देर इज नो ऑप्शन फॉर क्लाइंट साइड इंक्रिप्शन इन कंसोल, ठीक है। आप क्लाइंट एप्लीकेशन से जब भी S3 को हिट करोगे यूजिंग Boto3 और CLI, तब आपको फिर ये ऑप्शन यूज कर सकते हो, ठीक है। तो और देखो, ये हो गया, तो ये तो हो गया डेटा एट रेस्ट, राइट? डेटा इन ट्रांजिट मतलब क्या होगा, कोई बता सकता है मुझे? डेटा इन ट्रांजिट क्या हो सकता है? डेटा एट रेस्ट तो समझ गए हम लोग, ये स्टोरेज सर्विस है, ये आउटगोइंग हाँ। डेटा मीन्स डेटा इज तो उसमें आपको सिक्योरिटी क्यों चाहिए? आउटगोइंग डेटा एंड इनकमिंग डेटा, राइट? व्हेन यू आर अपलोडिंग द डेटा टू S3 एंड यू आर फेचिंग द डेटा फ्रॉम S3, राइट? यस सर यस, तो उसमें आपको सिक्योरिटी क्यों चाहिए? बिकॉज व्हिच एवर डेटा इज नीडेड ओनली दैट वॉल्यूम इज टेकिंग देखो देखो, ट्रांजिट में मतलब क्या है? देखो, योर डेटा इज गोइंग थ्रू नेटवर्क, राइट? एंड देयर मतलब नेटवर्क में भी तो हैकिंग या फिर डेटा यस सर लॉस या फिर डेटा थेफ्ट का चांस होता है, राइट? यस सर किसी के हाथ में लग गया तो आपका आपके तो मतलब बहुत ज्यादा लॉस हो जाएगा, राइट? यस तो बहुत सारे ना नेटवर्क सिक्योरिटी लेयर प्रोटोकॉल्स है जो S3 भी प्रोवाइड करता है। तो ये जो दो प्रोटोकॉल है ना, ये कोई न्यू प्रोटोकॉल नहीं है जो S3 ने इन्वेंट किया है, ये नेटवर्किंग के ही प्रोटोकॉल है, जो हम लोग कुछ एज सच ये ऑप्शन नहीं है कि हम लोग ये चूज करते हैं, ठीक है। तो ये सिक्योरिटी इन ट्रांजिट इज एंश्योर थ्रू SSL, दैट इज सिक्योर सॉकेट लेयर या फिर ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी, ठीक है। तो ये हमारा कोई, हम लोग चूज नहीं कर रहे ये चीजें, ये इंटरनल चीज है जो S3 इससे इंश्योर करता है आपकी सिक्योरिटी इन ट्रांजिट। ये चीजें हमें पता रहना क्यों जरूरी है? प्रैक्टिकल में कुछ हम लोग का कंट्रोल नहीं है, लेकिन ठीक है ना, आपको अगर कोई सॉल्यूशन के लिए आपको पूछा जाता है, ठीक है, व्हाई टू यूज
what are the security measures that are there in AWS S3 that can ensure us कि हमारा डेटा सिक्योर रहे. आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है इंटरव्यू में. तो हमें ना ये चीजें बोलनी है कि S3 सिक्योरिटी ऐसे ऐसे इंश्योर करता है AWS S3, ठीक है. तो डेटा इन ट्रांजिट भी सिक्योर रहता है ये बताने के लिए आपको ये बताना पड़ेगा कि SSL और TLS दो सिक्योरिटी प्रोटोकॉल है वो यूज करता है S3, ठीक है. और देखो ये हो गया सिक्योरिटी रिलेटेड. लेकिन आपका डेटा एट रेस्ट जो एक्सेस भी है वो भी इंश्योर करता है कि वेदर योर डेटा इज सिक्योर्ड इन योर S3 बकेट और नॉट, राइट? एम आई मेकिंग सेंस? यस सर, ठीक है, बराबर है. तो आपको आपकी बकेट को किसे एक्सेस देना है, किसे नहीं देना है, किस आईपी रेंज को अलाउ करना है, किन रिसोर्सेस को पब्लिकली दिखाना है, ये सब चीजें ना बकेट पॉलिसी में डाल के आप वो बकेट की सिक्योरिटी इंश्योर कर सकते हो. समझ में? आपको पॉलिसी तो पता है, व्हाट आर पॉलिसीज, राइट? पॉलिसी पता है आपको? यस. पॉलिसी में क्या क्या चीजें होती है, किसी को याद है? किसी को भी याद होगा एक दो चीजें, कोई भी एक चीज बोलो. Policy is a JSON file type, yes, which will give the permissions to the user. Right. आपको ये पता है तो आपके कॉम्पोनेंट पता है कि जेसन में जो भी हमने देखे थे कोई भी कुछ भी याद आ रहे बता दो. Policies are custom policies and AWS managed policy. Yes, you are right. वो हाँ ठीक है, आपने बोला है, सही बोला है. लेकिन what I am asking is what were the options from which you were controlling the permissions? अंदर options पे JSON document में जैसे आपको statement action, yes, sir. Action. Statement ID effect statement action resources. Exactly. आपको एक statement था, statement ID रहती थी, उसके नीचे इफेक्ट है, एक्शन है, रिसोर्सेस है, राइट? तो उसमें आप जो भी चीजें डालते हो विच दैट डिटरमाइंस एंड व्हाट एक्सेस, मतलब एक्सटर्नल सोर्सेस को उस बकेट का कौन सा एक्सेस है, राइट? उसको बोल वो है बकेट पॉलिसी, राइट? मीन्स आप बोल सकते हो ना बकेट पॉलिसी से आप रेस्ट्रिक्ट कर सकते हो बकेट का एक्सेस, राइट? ठीक है. तो और एक ऑप्शन है, सॉरी कोई बोल रहा था क्या कुछ? सर, आई वाज जस्ट सेइंग यस सर. ओके ठीक है. तो और एक ऑप्शन है एक्सेस कंट्रोल लिस्ट करके S3 सिक्योरिटी, ठीक. कंट्रोल लिस्ट का ऑप्शन है, इट कैन बी अप्लाइड एट टू लेवल्स. एक तो बकेट एक्सेस कंट्रोल लिस्ट है, दूसरा ऑब्जेक्ट एक्सेस कंट्रोल लिस्ट है, ठीक है. तो हम लोग ना डेमोन्स्ट्रेट ऑब्जेक्ट लेवल एक्सेस कंट्रोल लिस्ट करेंगे, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है. बकेट लेवल मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप खुद से कर लोगे, ठीक है. दोनों के दोनों नहीं करना चाहिए, मतलब नहीं कर सकते हम लोग, इतना टाइम नहीं है हमारे पास. तो एक अगर मैंने कर लिया उसमें कुछ इश्यू आ सकते हैं तो उससे आप बकेट ACL कर लोगे खुद से, ठीक है. और ये ना चीजें बहुत ज्यादा थेरेटिकल है जो आपको पता रहनी चाहिए whenever you need it, ठीक है. तो हम लोग इतना ज्यादा खुद से, टू बी ऑनेस्ट, कंपनी में जाके खुद से इतना ज्यादा डिजाइनिंग नहीं करते, ठीक है, आपके स्टोरेज रिलेटेड वगैरह. लेकिन ये चीजें आपको सबसे ज्यादा जरूरी कब है पता है क्या? आप कुछ इश्यूज आते हैं एक्सेस के, तो यू नीड टू नो कहाँ पे इशू आ सकता है. सोर्स ऑफ एरर ही नहीं पता है आपको, पॉसिबिलिटी ऑफ एरर नहीं पता है, या फिर पॉसिबिलिटी ऑफ परमिशन डिनाइड जो भी एरर आता है वो नहीं पता है, तो यू विल नॉट बी एबल टू डिबग इट, राइट? तो आपको पता रहना चाहिए कि पॉसिबिलिटीज क्या है. आप अगर आपको पता है ACL क्या है, आपके ऑब्जेक्ट को एक्सेस नहीं मिल रहा है, ठीक है, तो यू विल गो टू ऑब्जेक्ट ACL whether it is enabled, whether it has public access or not, you will check directly, right? तो वो बहुत जरूरी है. तो हमने S3 सिक्योरिटी का पॉइंट तो कवर कर लिया, ठीक है. वो मैंने नोट्स में भी डाला है. अच्छी हाँ, ये देखो हम लोग अगर एक्सप्लेन करना है इन चीजों को,
तो हम लोग कर लेंगे बाद में, ठीक है? कुछ डिक्टेट करना है तो कर लेंगे। ओके, ये हो गया, हम लोग आते हैं। यस, तो हम लोग अभी के लिए ना सर्वर साइड इंक्रिप्शन विद S3 मैनेज की लेंगे, ठीक है? और बकेट की ये ऑप्शन क्या है, एक एक आपको अभी, आई डोंट नो, अभी बताऊंगा, कंफ्यूजन होगी शायद। KMS का ना आपको एक इश्यू है, ठीक है? तो मैं आपको ना बाद में बताऊंगा, क्योंकि ना ये दिस कैन बी यूज फॉर व्हेन यू नीड प्रॉब्लम्स दैट यू हैव फेस्ड इन योर प्रोजेक्ट्स, नो कि आपको कौन से इश्यू आए हैं। आपको पता है ना इंटरव्यू में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि व्हाट आर द चैलेंजेस यू हैव फेस्ड इन द इन द ड्यूरेशन ऑफ योर प्रोजेक्ट, व्हाट वर द मेजर चैलेंजेस विच वर वेरी डिफिकल्ट टू रिजॉल्व। तो उसके लिए ना मैं एक आपको KMS का इशू बता, ठीक है, बाद में। लेकिन अब भी थोड़ी कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगी कि KMS की कीज के कॉल्स एट बकेट लेवल एंड ऑब्जेक्ट लेवल थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, इसलिए विल अवॉइड दैट, ठीक है? ओके, ठीक है, चलो चलो अभी क्रिएट कर दो। एडिशनल सेटिंग्स में कुछ है? हाँ, ये देखो, यहाँ पे ऑब्जेक्ट लॉक वगैरह, एक ऑब्जेक्ट लॉक हमने देखा, यहाँ पे एक ऑप्शन है, हमने डाला है पॉइंट, ठीक है? व्हाट इज ऑब्जेक्ट लॉक? ऑब्जेक्ट लॉक करता क्या है पता है क्या? आपको ये ना चीज खुद से एक्सप्लोर करनी है पहले, तो ऑब्जेक्ट लॉक को इनेबल करके क्या होता है क्या नहीं, मैं सिर्फ एक अभी के लिए एक आइडिया दे देता हूँ आपको कि ये करता है, ऑब्जेक्ट वर्जन डिलीशन को ब्लॉक करता है, ब्लॉक ऑब्जेक्ट वर्जन डिलीशन फॉर स्पेसिफाइड टाइम। व्हाट डू आई मीन बाय दिस, रिफाइनमेंट करो। हाँ, आपको अगर इससे कुछ समझ में आ रहा है तो बताओ। ब्लॉक ऑब्जेक्ट वर्जन डिलीशन फॉर स्पेसिफाइड टाइम, कुछ समझ में आ रहा है इससे? अगर देखो आप, यस बोलो। यस एब्सोल्युटली। आई थिंक द ऑब्जेक्ट्स व्हिच आर प्रेजेंट इन दैट बकेट विल नॉट बी डिलीटेड, मींस वी कैन नॉट डू एनी ऑपरेशंस ऑन दैट ऑब्जेक्ट्स फॉर स्पेसिफाइड टाइम। ओके, कैसा होता है ना, हाँ बराबर है वो, ठीक है, मतलब आपने जो लिटरल मीनिंग आ रहा है वो तो करेक्ट कर लिया। आई आई एड अ फ्यू मोर पॉइंट्स टू इट, ठीक है? तो S3 ऑब्जेक्ट लॉक क्या है बताइएगा? S3 ऑब्जेक्ट लॉक की एक प्री कंडीशन है दैट योर बकेट वर्जनिंग शुड बी इनेबल्ड। ठीक है, बकेट वर्जनिंग शुड बी इनेबल्ड। इससे कुछ एडिशनल पॉइंट समझ में आ रहा है हमें कि अगर आपकी बकेट की वर्जनिंग इनेबल्ड है एंड इफ यू हैव मल्टीपल वर्जन्स ऑफ द ऑब्जेक्ट्स इन योर बकेट, ठीक है, अगर आप प्रीवियस वर्जन को जाके डिलीट करने का ट्राई करते हो, तो अगर आपका ऑब्जेक्ट लॉक इनेबल्ड है, यू विल नॉट बी एबल टू डिलीट दोज ऑब्जेक्ट। व्हाट इट डज इज इट डजेंट डिलीट इट, बट इट एड्स अ डिलीट मार्कर टू, ठीक है? तो व्हाट इज डिलीट मार्कर वो देखेंगे हम लोग आगे। ठीक है, डिलीट मार्कर मतलब क्या है कि हमने ना इस हमारा इंटेंशन दिखाया है इसको डिलीट करने का, ठीक है, डिलीट मार्कर, ठीक है? तो ऑब्जेक्ट लॉक ऐसी कोई बहुत इंपॉर्टेंट चीज नहीं है, कोई यूज नहीं करता होगा इतना ज्यादा, ठीक है? लेकिन ये थ्योरेटिकली कभी कभी पूछा जाता है, ठीक है? तो आपको पता रहना चाहिए, बेसिक अवेयरनेस, नॉट दैट इम्पोर्टेंट। ग्लेशियर वॉल्ट लॉक ना आप खुद एक्सप्लोर कर लो, व्हाट इज ग्लेशियर वॉल्ट लॉक? अभी के लिए मैं इतना बता देता हूँ कि ये पॉलिसी लेवल लॉक है, ठीक है? अगर आपकी कोई पॉलिसी आपने अटैच की है आपकी S3 बकेट को, तो आप अगर ग्लेशियर वॉल्ट लॉक लगाते हो ना, तो यू विल नॉट बी एबल टू मेक एडिट्स टू पॉलिसी फॉर सर्टेन अमाउंट, ठीक है? समझ में आ रहा है कि कुछ? यस सर, लॉक द पॉलिसी फॉर फ्यूचर एडिट्स, क्या बोल रहा हूं मैं, समझ में आ रहा है? मतलब आपको ये तो पता है कि हम लोग पॉलिसी अटैच करते हैं S3 बकेट को, हमने देखा क्यों अटैच करते हैं, टू इंश्योर एंड रेस्ट्रिक्ट
इंश्योर सिक्योरिटी एंड रिस्ट्रिक्ट पब्लिक एक्सेस, ठीक है। अगर आपने अभी के टाइम पे कोई भी पॉलिसी अटैच की है एंड यू डोंट वांट एनीवन टू चेंज इट फॉर नियर फ्यूचर, ठीक है, तो यू कैन यूज दिस ऑप्शन ऑफ ग्लेशियर वर्ल्ड का, ठीक है। इसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग भी हो गई ना आपको, क्या है पता चल गया तो भी इनाफ है, इसको ज्यादा प्रैक्टिस करने की इतनी जरूरत नहीं है। मैं जो चीजें बता रहा हूँ ना जिनको प्रैक्टिस करने की जरूरत है वो आपके बहुत फ्रिक्वेंट यूज में आते हैं, ठीक है। ये चीजें ना वंस इन अ वाइल किसी ने पूछ लिया तो आपको अवेयर होना चाहिए, पता मतलब एटलीस्ट यू शुड नो कि ऐसी कोई चीज एग्जिस्ट करती है, ठीक है। ठीक है, हम लोग कहाँ थे? यस, तो यहाँ पे देखो ऑप्शन है ऑब्जेक्ट ब्लॉक, हम लोग अभी इनेबल नहीं करते, ठीक है। उसको विल क्रिएट अ बकेट, ठीक है, हमारी बकेट क्रिएट हो गई है, विल सी कहाँ पे है बकेट। यहाँ पे देखो ये हमारी बकेट है सी ए बी डेटा साइंस डेमो, ठीक है। तो हम लोग ना अभी इसके सारे ऑप्शंस एक्सप्लोर करते हैं, ठीक है। लेट्स अपलोड वन फाइल टू, ठीक है, कि आप कैसे अपलोड कर सकते हो। यू कैन क्रिएट अ फोल्डर कि आपको अगर एक बकेट में बहुत सारी चीजें डालनी है, ठीक है, चलो आपको कैसे पाइथन का फोल्डर बना लिया, स्टडी का कुछ बना रहे हो पाइथन का फोल्डर, तो इफ यू वॉन्ट टू यूज एन एनक्रिप्शन की देन यू यू कैन चूज दिस ऑप्शन ऑल्सो, आई डोंट वॉन्ट टू यूज इट नाउ। तो क्रिएट फोल्डर करते हैं और इसमें कुछ ऐड करते हैं हम लोग, ठीक है, और एक फोल्डर क्रिएट कर देते हैं स्पार्क के लिए। ठीक है, तो हम लोग पाइथन में कुछ ऐड करते हैं, पाइथन की फोल्डर में हम लोग अपलोड करते हैं कोई फाइल, चलो यही कर लेते हैं। आई विल अपलोड दिस, ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है डेस्टिनेशन कहाँ पे आ रहे हैं, कहाँ पे अपलोड कर रहे हैं, दिख रहा है आपको? ठीक है, फाइल हैज गॉट अप, यस अपलोड हो गई है, ठीक है। तो आपको समझ में आ रहा है कि हम लोग अपलोड कर सकते हैं ऐसे मैन्युअली, एंड देयर आर अदर ऑप्शंस आल्सो, जैसे आपको पता है कि सीएलआई से भी यही एक्शन परफॉर्म की जा सकती है, ठीक है। तो हमने सीएलआई को आपको इंट्रोड्यूस कर दिया है, ठीक है। तो आपको बस अगर आपको टाइम है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है सीएलआई, लेकिन अगर टाइम है आपको तो ट्राई टू एक्सप्लोर सम कमांड्स फॉर S3 आल्सो, कि कोई बकेट क्रिएशन का AWS S3 हेल्प कर लो, उसमें आपको बहुत सारी कमांड्स दिखेगी, चूज सर्टेन कमांड्स विच यू, मतलब जो भी एक्टिविटी हमने क्लास में परफॉर्म की है तो ट्राई टू परफॉर्म देम यूजिंग CLI also। होता क्या है ना, एटलीस्ट अभी बेसिक सर्विसेज के लिए करोगे ना तो एक हैंड्स ऑन आ जाएगा CLI पे, ठीक है। तो AWS S3 अगर क्रिएट बकेट का ऐसा कुछ ऑप्शन होगा तो वॉट आर द पैरामीटर्स दैट आर नीडेड और दैट आर टू बी पास्ड इन दैट कमांड, उससे क्या होगा बताइएगा, आपके ना कंसोल की भी अंडरस्टैंडिंग बेटर होती है क्योंकि यू गेट टू नो कि कौन से ऑप्शन मैंडेटरी है, ठीक है। तो अगर प्रैक्टिस कर पा रहे हो दैट इज वेल एंड गुड, ठीक है, वो ऑप्शनल है लेकिन देखो आपके अच्छे के लिए है कि आप करो वो चीजें, जो ज्यादा जितनी भी चीजें हैं जो ऑप्शनल भी है कवर करता है ना उसकी अंडरस्टैंडिंग और बेटर होती जाएगी, ठीक है। लेकिन जिसके पास टाइम नहीं है वो मैंडेटरी चीजें तो भी कंप्लीट करो एटलीस्ट, कि कंसोल से तो आना ही चाहिए, उसको कोई एक्सक्यूज नहीं है, ठीक है। तो ये बेसिक चीजें आनी ही चाहिए, ठीक है। ये देखो अभी हम लोग ना इसके क्या क्या ऑप्शन है देखते हैं अभी, ठीक है। ये तो ऑब्जेक्ट्स टैब हो गया, हम लोग प्रॉपर्टीज टैब में देखते हैं क्या है इसमें। देखिए आपको ओवरव्यू दिख रहा है कि कौन सा रीजन है, ARN Amazon रिसोर्स नेम। ARN क्या होता है पता है क्या किसी को? कुछ नेम से समझ में आ रहे हैं क्या होता है या फिर क्यों यूज होगा? टू आइडेंटिफाई द रिसोर्स, एग्जैक्टली, टू यूनिकली आइडेंटिफाई रिसोर्स। आप जब वोटो 3 यूज करोगे ना या फिर आप CLI भी यूज करोगे ना
तो हर जगह पे नाम वर्क नहीं करता है, राइट? तो इट इज बेटर टू गिव एआरएन फॉर दैट रिसोर्स डायरेक्टली, ठीक है? तो एक एक्सेस पॉइंट का भी कॉन्सेप्ट है. एक्सेस पॉइंट भी सिमिलर टाइप का ही फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है? तो एक्सेस पॉइंट हम लोग देखेंगे आगे, लेकिन एआरएन जैसे आईएम रोल का एआरएन हो गया, ठीक है? वैसी चीजें ना आपको बोटो थ्री और सीएलआई में यूजफुल होती है, ठीक है? ये एआरएन हो गया, तो ये एक यूनिक रिसोर्स लोकेटर टाइप है आपका, सॉर्ट ऑफ. यूनिक रिसोर्स लोकेटर नहीं बोल सकते आप क्योंकि यूआरएल अलग होता है. तो एक यूनिक आइडेंटिफायर है फॉर दिस बकेट, ये एआरएन, ठीक है? ठीक है. नेक्स्ट ऑप्शन है वर्जनिंग. वी हैव ऑलरेडी इनेबल्ड इट. आपको पता है वर्जनिंग क्या है, ठीक है? तो वी हैव ऑलरेडी इनेबल्ड इट. आपको अगर वर्जनिंग सस्पेंड करना है तो यहाँ पे आके सस्पेंड करना पड़ता है, ठीक है? इफ यू वॉन्ट टू सस्पेंड इट यू कैन डू दैट, ठीक है? तो हम लोग अभी इनेबल्ड ही रखते हैं. समझ में आया वर्जनिंग कहाँ से डिसेबल करनी है? प्रॉपर्टीज टैब में वर्जनिंग का ऑप्शन है, बकेट वर्जनिंग का. वहां से एडिट करके बकेट वर्जनिंग अभी इनेबल्ड है तो उसे डिसेबल कर सकते हो, सस्पेंड कर सकते हो, ठीक है? नेक्स्ट ऑप्शन है डिफॉल्ट इंक्रिप्शन. हमने अभी S3 मैनेज की चूज किया. यू कैन चेंज योर एनक्रिप्शन ऑल्सो, ठीक है? इफ यू वॉन्ट कि मुझे KMS से करना है, यू कैन चेंज इट. इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू. ये नया ऑप्शन आया है, ड्यूअल लेयर सर्वर साइड एनक्रिप्शन विद KMS, ठीक है? आई एम नॉट मच अवेयर ऑफ दिस ऑप्शन, टू बी ऑनेस्ट. सिक्योर ऑब्जेक्ट टू सेपरेट लेयर्स ऑफ इनक्रिप्शन. तो ये बोल रहा है कि दो लेयर ऑफ सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, पता नहीं, लेकिन इसका कॉस्ट ज्यादा होगा फिर, ठीक है? तो आपकी यूज केस बहुत ज्यादा, क्या बोलते हैं, विच रिक्वायर्स अ हाई लेवल ऑफ सिक्योरिटी, यू कैन यूज दिस ऑप्शन, ठीक है? लेकिन इसका प्राइसिंग ज्यादा होगा, ड्यूअल लेयर दे रहा है, ठीक है? ये देखो, ये ARN का यूटिलिटी आ गया. KMS का ARN भी डाल सकते हो यहाँ पे. देखो, कोई भी रिसोर्स है ना जो AWS में क्रिएट हो रहा है, उसका ARN क्रिएट होता है, ठीक है? तो अभी के लिए तो हम लोग ऐसे ही रखते हैं एनक्रिप्शन. तो आपको पता है, ये दिखा इसीलिए रहा हूँ कि कहाँ पे कौन सी चीजें है. इफ यू वॉन्ट टू एडिट इट, आपको कहाँ सी चीजें एडिट करनी है ये पता होना चाहिए, ठीक है? इंटेलिजेंट टीयरिंग आर्काइव कॉन्फ़िगरेशन, हम अब भी इसमें ड्वेल नहीं करते क्योंकि हमें स्टोरेज क्लासेस के बारे में पता नहीं है, ठीक है? वंस वी कवर स्टोरेज क्लासेस विल रिविजिट इट हियर, ठीक है? हम लोग तब देखेंगे क्योंकि कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा. आपको इंटेलिजेंट टीयरिंग स्टोरेज क्लास ही नहीं पता है तो हम लोग उसका आर्काइव कॉन्फ़िगरेशन देख के फायदा नहीं, ठीक है? सर्वर एक्सेस लॉग, नेम सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, क्या है लॉग रिक्वेस्ट फॉर एक्सेस टू योर बकेट, व्हाट डज इट मीन, क्या हो सकता है इसमें, बोलो? किसी का इमेजिनेशन कुछ बता पा रहा है किसी को? क्या हो सकता है सर्वर एक्सेस लॉगिंग इनेबल करने से हम लोग क्या देख पाएंगे? Will able to see the logs of who's accessing this thing. एग्जैक्टली, वेदर देखो, आपकी बकेट है, आपने अगर पब्लिक की है या फिर उससे कुछ भी रिक्वेस्ट हो रहा है और रिस्पॉन्स हो रहा है, तो व्हाट इज द AWS अकाउंट और एनी अदर एक्सटर्नल अकाउंट हु इज ट्राइंग टू एक्सेस योर बकेट, और कौन सी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हो रही है, कौन सी रिक्वेस्ट डिनाई हो रही है, इसका सारा लॉग है ना हम लोग एक कोई S3 बकेट में कॉन्फिगर कर सकते हैं. मतलब अगर ये मेरी CAB डेटा साइंस डेमो करके एक S3 बकेट है, इसके ये मैं किसी चीज के लिए यूज कर रहा हूँ मेरे पाइपलाइन में, या फिर कोई वेब एप्लीकेशन में समझो, ठीक है? तो इसके एक्सेसेस जो है वो मैं ना एक अलग बकेट में, लॉग्स बकेट में डाल सकता हूँ, ठीक है? एक नई बकेट क्रिएट करनी पड़ती है, वहां पे हम लोग वो उसको लॉग्स बकेट करके इनेबल कर सकते हैं यहाँ पे, इफ यू एडिट दिस नॉट. तो आपको समझ में आ रहा है कि क्यों चाहिए लॉगिंग, क्यों चाहिए? व्हाई डू यू नीड दिस लॉग, व्हाई डू यू नीड सर्वर एक्सेस लॉग्स, इससे क्या हेल्प होगी आप? कुछ भी, आपको कुछ भी दिमाग में आ रहा है बोल. कुछ भी If नहीं any आ रहा. service goes down or if there's any fault in the entire S3, logs will at least let us know what went wrong or where to look at. ओके, यू आर सेइंग कि हम लोगों ने जो परमिशन दी है
वैसे ही एक्सेसेस लोग कर पा रहे हैं नहीं, बराबर? राइट यस राइट, मतलब ये सॉर्ट ऑफ ऑडिटिंग ही हो गया, राइट? यू मॉनिटरिंग वांट टू मॉनिटरिंग एडिट, यस, ऑडिटिंग मॉनिटरिंग वही होता है चीज की, यू वांट टू सी वेदर द कॉन्फिग्रेशन यू हैव प्रोवाइडेड इज कंप्लाइंग टू द एक्सेसेस दैट आर बीइंग देयर, मतलब आपने जो डिजाइन किया है वही अप्लाई हो रहा है, या फिर इससे क्या पता चलता है, कभी कभी हमारे कॉन्फिग्रेशन इतने ज्यादा होते हैं लेकिन हम जब एक्सेस लॉग्स देखते हैं ना तब पता चलता है कि भाई ये तो हमें इसका एक्सेस तो नहीं देना था, सो उसके बेसिस पे हम लोग फिर हमारे परमिशंस में चेंजेस करते हैं, ठीक है? यू गेट एन अंडरस्टैंडिंग व्हाट एवर थिंग्स यू वांट टू गिव एन एक्सेस टू एंड व्हाट यू डिड वांट टू डिनाई, वो एक्सेस लॉग से हमें पता चलता है, ठीक है? तो ये देखो, अगर सर्वर एक्सेस लॉगिंग इनेबल करनी है ना तो हमें ना टारगेट बकेट देनी पड़ती है कि जिसमें हम लोग अपने लॉग्स लिखेंगे, सर्वर एक्सेस लॉग तो मैं कोई भी दे सकता हूँ, ऐसे कोई लिखने बोलो यहाँ, ठीक है? वो अभी के लिए इनेबल नहीं करते, ठीक है? कुछ इतना ज्यादा यूज केस नहीं है इसका अभी के लिए, तो इसीलिए आपको पता होना चाहिए कि सर्वर एक्सेस लॉगिंग अगर आपको इनेबल करना है तो दिस इज द ऑप्शन फ्रॉम वेयर यू कैन डू इट, ठीक है? और कौन सा ऑप्शन है आगे? हाँ, ये क्लाउड ट्रेल, इट इज आउट ऑफ आर स्कोप, ठीक है? तो हम लोग इसको नहीं देखेंगे। इवेंट नोटिफिकेशन, तो ये क्या है पता है क्या? क्या होता है कि यू कैन क्रिएट एन इवेंट विच इज ट्रिगर्ड बाय, मतलब सर्टेन एक्शंस दैट आर हैपनिंग इन योर S3 बकेट, तो उससे क्या कर सकते हो आप, एक नोटिफिकेशन ट्रिगर कर सकते हो। तो नोटिफिकेशन ट्रिगर करने के लिए ना देर आर सर्विसेज इन AWS, लाइक आगे देखोगे एक लैम्डा फंक्शन से आप कोई वर्कफ्लो ट्रिगर कर सकते हो कि जो आपको मैसेज देगा, या फिर कुछ भी एक SNS करके सर्विस है, सिंपल नोटिफिकेशन सर्विस विच यू कैन कॉन्फिगर फॉर प्रोवाइडिंग द नोटिफिकेशन फॉर सर्टन एक्शन दैट आर हैपनिंग इन योर S3 बकेट, और एक है SQS करके सर्विस है, सिंपल क्यू सर्विस, तो ये नोटिफिकेशन आपकी क्यू में ऐड करने का काम करते हैं, ठीक है? तो ये जानने की हमें एज सच जरूरत नहीं है, इफ वी फील इट इज नेसेसरी एंड टाइम परमिट, हम लोग इसका बेसिक ओवरव्यू लेते हैं कि ये सर्विस में क्या क्या होता है वो एंड में लेंगे, ठीक है? लैम्बडा तो लेने वाले हैं हम लोग, लेकिन SNS SQS एज सच नहीं लेंगे, ठीक है? क्योंकि इतनी यूजफुल नहीं है चीजें, अगर किसी एक प्रोजेक्ट में है, मतलब 10 में से 1 प्रोजेक्ट में है, तो इट इज नॉट दैट यूजफुल टू लर्न दोज थिंग्स, यू कैन लर्न वेन एवर एंड वेदर इट इज नेसेसरी इन योर प्रोजेक्ट और नॉट, और ये सिंपल चीज है तो इतना ज्यादा डिफिकल्ट भी नहीं जाता है लर्न करने में, ठीक है? तो इवेंट नोटिफिकेशन ना वही है कि कौन से एक्शंस आप क्या प्रोवाइड कर सकते हो, कौन से ऑब्जेक्ट्स या फिर कौन से फोल्डर में एक्शंस को आपको मॉनिटर करना है वो देख सकते हो, यहाँ पे प्रीफिक्स में देते हो, और यहाँ पे देखो ये इवेंट टाइप्स हो गए आपको कि कौन से एक्शन के लिए आपको नोटिफिकेशन ट्रिगर करना है, जैसे अगर कोई S3 में कोई ऑब्जेक्ट पुट करता है तो उसके लिए नोटिफिकेशन ट्रिगर करना है या नहीं, तो दीज आर द ऑप्शंस फॉर विच यू विल बी कॉन्फिगरिंग दिस इवेंट नोटिफिकेशन, ठीक है? तो यू डोंट डू दिस थिंग्स एज सच, ये पता होना ठीक है, मतलब जितना आपको अवेयरनेस ही चाहिए इन चीजों का, यू डोंट यूज दिस थिंग्स वेरी मच, ठीक है? तो जनरली क्या होता है पता है कि ये किन चीजों के लिए, लाइफ साइकिल पॉलिसीज के लिए ना हम लोग कोई इवेंट नोटिफिकेशन ट्रिगर करते हैं, ये देखो, हाँ लाइफ साइकिल क्या होता है, अगर आपका डेटा है S3 स्टैंडर्ड स्टोरेज में, हम लोग आगे देखेंगे व्हाट आर द स्टोरेज टाइप्स, तो अगर उसके कुछ हमने डेज कॉन्फिगर की कि 90 डेज के बाद वो एक चिप कॉस्ट स्टोरेज में ये हो जाए, मूव हो जाए, तो वो हमें पता होना चाहिए कि वो गया है या नहीं, तो वी डू कॉन्फिगर इवेंट नोटिफिकेशन, ठीक है? उन केस में, ये तो मैं सिर्फ यूज केस बता रहा हूँ, मैंने देखा नहीं है कि किसी के प्रोजेक्ट में अब तक एज सच कोई इवेंट नोटिफिकेशन का यूज आया है, ठीक है? जस्ट दिस कैन बी वन यूज केस की जहाँ पे हम लोग यूज कर सकते हैं इसको, ठीक है? तो हम लोग इसको क्रिएट नहीं करेंगे, ठीक है? नॉट वेरी मच इम्पोर्टेंट, जो चीजें इम्पोर्टेंट है ना उस पर फोकस करना बहुत जरूरी है, नहीं तो ये AWS एज अ इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस ना, मतलब ये बहुत ओशन है, ठीक
ठीक है, इसमें बहुत सारे ऑप्शंस है, जस्ट गिव मी सेकंड, कनेक्ट माय चार्जर। इसकी जो यूटिलिटीज है ना वो बहुत सारी अलग अलग प्रोफाइल्स में है, राइट? तो यू कैन नॉट लर्न एवरीथिंग। ठीक है, ये देखो सिंपल बोलू ना, ये इवेंट नोटिफिकेशन ना जो वेब होस्टिंग करते हैं ना आपके S3 में, उसके लिए बहुत जरूरी हो जाता है। ठीक है, तो हमारे केस में ना हम लोग डेटा पुट करते हैं, डेटा रीड करते हैं, डेटा मतलब राइट करते हैं या फिर मॉडिफाई करते हैं या फिर डेटा लेक सॉल्यूशन इंप्लीमेंट करते हैं, तो एज सच इवेंट नोटिफिकेशन का हमें इतना यूज नहीं है। ठीक है, इवेंट ब्रिज इज अ सर्विस विच विल नॉट बी लर्निंग, तो उसको देखना भी नहीं है हमें यहाँ पे। ये इंपॉर्टेंट है ट्रांसफर एक्सेलरेशन पॉइंट। व्हाट इज ट्रांसफर एक्सेलरेशन? देखो क्या होता है, एक नॉर्मल AWS में ना आप रीड राइट की एक नॉर्मल स्पीड है जिसका कॉस्ट थोड़ा कम है। ठीक है, लेकिन देयर कैन बी यूज केसेस इन इंडस्ट्री वेयर यू नीड अ वेरी फास्ट रीड राइट एक्सेस टू योर S3 बकेट्स। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया है, AWS ने एक ऑप्शन प्रोवाइड किया है कि टू प्रोवाइड यू अ फास्टर डेटा ट्रांसफर फॉर दिस बकेट। ठीक है, तो ये देखो, यूज एन एक्सेलरेटेड एंड पॉइंट फॉर फास्टर डेटा ट्रांसफर। लेकिन अगर ये फास्टर डेटा ट्रांसफर प्रोवाइड कर रहा है आपको, तो ये कुछ एक्स्ट्रा कॉस्ट भी इनकर करेगा। ठीक है, तो नॉट नेसेसरीली ईच टाइम वी यूज दिस ऑप्शन ट्रांसफर एक्सेलरेशन। ये कहाँ यूज होता है? जनरली देखो, कोई वीडियो अपलोड्स होंगे, वीडियो टाइप का कुछ एनालिसिस होगा, उस टाइम पे ज्यादा यूज होता है। अगर किसी को किसी के प्रोजेक्ट में जरूरत है जॉब को फास्ट रन करने की, इन दैट केस बहुत ज्यादा डिफरेंस तो क्रिएट नहीं करता ये ट्रांसफर। ये और एक मेन यूज केस कहाँ है पता है क्या? इसकी माइग्रेशन एक यूज केस है ट्रांसफर एक्सेलरेशन की, क्योंकि ना माइग्रेशन जब करते हो ना तो आप ना बहुत ज्यादा साइज ऑफ डेटा डंप करते हो कोई भी स्टोरेज सिस्टम। ठीक है, S3 बकेट में जैसे, तो उस टाइम पे ना आपके जॉब बहुत लॉन्ग रनिंग होते हैं, तो ये जो ऑप्शन अगर आपने यूज किया ना, थोड़ा तो एफिशिएंसी आ जाता है उसमें। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या? लास्ट यूज केस समझ में आया माइग्रेशन का? मैं डिटेल में बताऊंगा, नहीं तो ऐसा कुछ नहीं है। किसी को भी समझ में आया कि कुछ भी, कि मैं बस बोले जा रहा हूँ? हेलो सर, यस, आपने लास्ट टाइम बताया था ना कि हम डिफरेंट वर्जन्स पे सॉरी डिफरेंट रीजन्स पे एक कॉपी बनाते हैं, सो यस ट्रांसफर एक्सेलरेशन इज यूजफुल इन देयर, सो मीन्स यस, इट इज। बट देखो, ट्रांसफर एक्सेलरेशन कोई भी ट्रांसफर के लिए यूजफुल ही होगा। ठीक है, क्योंकि वो आपकी स्पीड बढ़ा रहा है, राइट? लेकिन मेन यूज केस कहाँ आता है? जहां पे बल्क लोड होता है, राइट? ठीक है, अगर 2 MB की फाइल में विदाउट ट्रांसफर एक्सेलरेशन और ट्रांसफर एक्सेलरेशन से करते हो, तो बहुत ज्यादा डिफरेंस आपको नोटिस नहीं होगा, बराबर? यस सर, इट लेकिन वही अगर एक 1 TB ऑफ डेटा है वो आप ट्रांसफर कर रहे हो, तो देयर विल बी अ ह्यूज गैप दैट इज ऑब्जर्वेबल, राइट? मीन्स सर ट्रांसफर एक्सेलरेशन सेव्स द टाइम टू ट्रांसफर द यस, डेटा, एग्जैक्टली, सेव द सेव्स द टाइम। टाइम. यस या और आपकी पाइपलाइन को भी तो फास्ट करता है वो। अगर माइग्रेशन की पाइपलाइन है, तो अगर एक जॉब को नॉर्मल स्पीड में 4 घंटे लग रहे हैं, तो रीड राइट अगर फास्ट हो जाएगा S3 में, तो एटलीस्ट 1 घंटा तो रिड्यूस करेगा वो टाइम, राइट? यस एम आई मेकिंग सेंस? सर, हाँ ना, बाकी लोगों को समझ में आ रहा है क्या? माइग्रेशन का यूज केस समझ में आया क्या? मैं डिटेल में बोल सकता हूँ, ठीक है, आप बोलो बस। आई अगर जस्ट हैड आप अ क्वेश्चन. यस इफ दे हैव एन ऑप्शन टू एक्सलेट द ट्रांसफर, व्हाई डिड दे मींस व्हाई डिड दे नॉट डू इट एज डिफॉल्ट इंस्टेड गिवन ऑप्शन ऑफ अनेबलिंग और डिफॉल्ट, डिसेबलिंग? राइट? यस, या बट इट इज इनकरिंग देम द कॉस्ट ऑल्सो, राइट? ओके नॉट एवरी वन नीड्स दिस ऑप्शन, ओके? सबके लिए एक स्टैंडर्ड लेवल ऑफ ट्रांसफर स्पीड रिक्वायर्ड है। ठीक है, अगर उन्हें कोई एक्सेलरेटेड एंड पॉइंट कॉन्फिगर करना है, तो AWS के रिसोर्सेस भी तो यूटिलाइज हो रहे हैं ना उसमें, तो डिफॉल्ट तो उन्होंने एक ऑप्टिमल स्पीड तो दे दिया, लेकिन ट्रांसफर एक्सेलरेशन इज फॉर द स्पेसिफिक यूज केसेस वेयर डेटा ट्रांसफर
कम टाइम में, लिमिटेड टाइम में और डेजिग्नेटेड टाइम में होना चाहिए, ठीक है। आई डू अंडरस्टैंड योर पॉइंट कि अगर इनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है ट्रांसफर एक्सेलरेशन की स्पीड प्रोवाइड करने का, तो व्हाई दे आर नॉट गिविंग एज अ डिफॉल्ट। वो कॉस्ट कॉस्ट सब लोग बियर नहीं कर पाएंगे, राइट। जिनको जिस चीज की जरूरत है दे विल आस्क फॉर इट। एम आई मेकिंग सेंस? आपको आपका कंसर्न एड्रेस किया गया मैंने, तो जो भी डाउट है यस ना, ठीक है। यस ठीक है, ट्रांसफर एक्सेलरेशन समझ में आ गया। आई एम होपिंग कि हम लोग कुछ नहीं करना पड़ता है यार, यहाँ पे बस इनेबल करना पड़ता है, ठीक है। ये सब चीजें ना, ऑप्शंस पता होने चाहिए बस, कि आपको किसी ने पूछा कि मेरे बकेट में रीड राइट स्लो है, ठीक है, तो हमारे जॉब फेल हो रहे हैं इसकी वजह से, या फिर हमारे जॉब जो हमारा सर्विस लेवल एग्रीमेंट होता है वो ब्रीच हो रहा है, हमारे पाइपलाइन की स्पीड कम है, ठीक है। इफ कॉस्ट इज नॉट एन इश्यू, व्हाट कैन बी एन इम्प्रूवमेंट दैट यू कैन डू इन योर पाइपलाइन, देन यू कैन से कि एक ट्रांसफर एक्सेलरेशन करके ऑप्शन है, इट विल प्रोवाइड एटलीस्ट फास्टर रीड राइट, सो दैट वी कैन सी कि अगर वो इम्प्रूव कर पा रहा है या नहीं हमारी पाइपलाइन की स्पीड को, ठीक है। यू शुड बी अवेयर ऑफ दिस थिंग्स। अभी तो इतना प्रैक्टिकल करके कुछ देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। एज सच क्या प्रैक्टिकल करोगे, क्या टाइम टाइम लगा के किसको कितना ट्रांसफर में टाइम लग रहा है ये देखोगे क्या? क्योंकि आप इतना बल्क डेटा ट्रांसफर ही नहीं कर पाओगे कि जो आपको डिस्टिंग्विशेबल टाइम डिफरेंस दिखेगा, राइट। तो इसको ना ये थ्योरेटिकली ही पता रखो, एज सच कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ऑब्जेक्ट लॉक हमने बोल दिया कि अब भी एक ऑब्जेक्ट लॉक के बारे में एक चीज है, इसको ना जब क्रिएट करते हैं ना तभी इसको इनेबल कर सकते हैं, अभी नहीं कर पाओगे। अभी करना है ना तो AWS सपोर्ट को रिक्वेस्ट डालना पड़ता है, ठीक है। समझ में आ गया, ये पॉइंट समझ लो बस। मतलब ऐसा कोई पूछता नहीं है, लेकिन जस्ट टू कीप इट इन माइंड, ठीक है। एक है आखिरी ऑप्शन है, ये रिक्वेस्ट पेज वगैरह इंपॉर्टेंट नहीं है, स्टैटिक वेबसाइट होस्टिंग। तो देखो स्टैटिक वेबसाइट होस्टिंग मतलब अगर ऑप्शन इनेबल करते हो ना और आपकी फाइल्स डालते हो, जो भी वेबसाइट होस्ट करने की जो भी फाइल्स है वो डालते हो ना, यू विल बी एबल टू होस्ट द वेबसाइट। आपको एक पब्लिक DNS मिल जाता है, URL सॉर्ट ऑफ, तो उससे आप एक वेबसाइट को होस्ट कर सकते हो। लेकिन एज दिस थिंग इज नॉट एट ऑल रिलेटेड विथ वॉट आर प्रोफाइल इज, हम लोग उसको इग्नोर करेंगे। हमें कोई वेबसाइट को होस्ट करने का काम नहीं करना है आगे जाके। हमारी प्रोफाइल एक स्पेसिफिक डेटा प्रोसेसिंग की है, उसी के रिलेटेड चीजें हम लोग देखेंगे। जस्ट देर इज ऑप्शन, तो मैंने बताया कि किसी ने पूछा कि वॉट आर द एप्लीकेशन ऑफ S3, दिस कैन बी एन एप्लीकेशन ऑल्सो, जस्ट टू मेक यू अवेयर ऑफ इट, ठीक है। तो हमने प्रॉपर्टीज टैब देख लिया, तो इसमें ना कोई डाउट है क्या, पूछो। जस्ट गिव मी अ मिनट, ओके, आई विल बी बैक इन अ मिनट। यस, कोई डाउट्स है किसी के? अभी के जो चीजें देखी है हमने प्रॉपर्टीज टैब में, कुछ भी ऐसी जो नई समझ में आए, इंटेलिजेंट टेरिंग आर्काइव का कॉन्फ़िगरेशन हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है। अभी कोई डाउट है पूछ लो बस। नहीं है, आई एम अज्यूमिंग कोई बोल नहीं रहा है, मतलब नहीं है डाउट, ठीक है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके ठीक है, तो एक सेकेंड परमिशंस में देखते हैं हम लोग, ठीक है। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। ओके, तो
टूरिस्ट क्लासेस हमें शायद कल देखने पड़ेंगे, आज होगा नहीं, वो टाइम लगेगा उसको, तो हम लोग परमिशंस का पॉइंट देख लेते हैं। ठीक है चलो, देखो परमिशंस में क्या क्या है। देखो आपको एक्सेस दिख रहा है, बकेट एंड ऑब्जेक्ट नॉट पब्लिक, ठीक है। तो हमने ये ऑब्जेक्ट क्रिएशन के टाइम पे, हमने बकेट क्रिएशन के टाइम पे भी ये ऑप्शन देखा था, ब्लॉक पब्लिक एक्सेस, ठीक है। तो अगर उसको एडिट करना है तो आप यहाँ से एडिट कर सकते हो, टोटली ब्लॉक नहीं करना है। बकेट पॉलिसी, सबको पता है बकेट पॉलिसी क्या है? व्हाट इज बकेट पॉलिसी, पता है क्या? एम आई ऑडिबल? It is access to the particular policy. यस। तो क्या है ना, देखो यहाँ पे पढ़ लो क्या है, पब्लिक एक्सेस इज ब्लॉक बिकॉज ब्लॉक पब्लिक एक्सेस सेटिंग्स आर टर्न्ड ऑन फॉर दिस बकेट। अभी देखो हम लोग उसको रिविजिट करेंगे। अभी यहाँ पे ना आप कोई भी पॉलिसी अप्लाई करो, दिस विल बी ऑफ नो यूज। क्यों पता है क्या? यहाँ पे देखते हैं हम परमिशन टैब में, इसको एडिट करके देखते हैं कि यहाँ पे देखो अभी हमने क्या बोला है, ब्लॉक पब्लिक एक्सेस टू बकेट्स एंड ऑब्जेक्ट ग्रांटेड थ्रू न्यू पब्लिक बकेट और एक्सेस पॉइंट पॉलिसीज। S3 विल ब्लॉक न्यू बकेट एंड एक्सेस पॉइंट पॉलिसीज दैट ग्रांट पब्लिक एक्सेस टू बकेट्स एंड ऑब्जेक्ट। दिस सेटिंग डजंट चेंज एनी एग्जिस्टिंग पॉलिसी दैट अलाउ पब्लिक एक्सेस टू S3 रिसोर्सेज। इससे क्या समझ में आया? कुछ समझ में आया? अगर ना आपको अभी जो पॉलिसी अप्लाई कर रहे हो ना आप, वो हो गई आपकी न्यू बकेट पॉलिसी, राइट? ठीक है। तो अगर आपने ये वाला ऑप्शन पहले से इनेबल करके रखा है, ठीक है, इसमें आपने ये इनेबल करके रखा है, उसके बाद अगर जाके आप पॉलिसी अप्लाई करोगे ना टू ग्रांट एक्सेस, लेकिन ये जो ये देखो हायरार्की है, अगर यहाँ से ब्लॉक्ड है ना चीजें, तो आप बकेट पॉलिसी में जाके चेंजेस भी करोगे ना, ये थर्ड ऑप्शन अगर टिक दे, अब बकेट पॉलिसी में जाके चेंजेस भी करोगे टू अलाउ सर्टेन रिसोर्सेज टू पब्लिकली अवेलेबल, लेकिन यहाँ से आपने वो ब्लॉक करके रखा है, तो इट विल थ्रो एन एरर, ठीक है, इट विल नॉट मेक इट पब्लिक, ठीक है। तो अगर आपको बकेट पॉलिसी से कुछ भी ग्रांट करना है तो आपको ये डिसेबल करना पड़ेगा ऑप्शन पहले, ठीक है। जब प्रैक्टिस करोगे ना इसकी, तो कीप दिस थिंग इन माइंड, आपको कभी भी कोई भी चीज में लाइक एक्सेस कंट्रोल लिस्ट में, लाइक बकेट लेवल एक्सेस कंट्रोल लिस्ट, ऑब्जेक्ट ACL या फिर बकेट पॉलिसी, इसमें कभी भी इश्यू आता है, एरर आता है, API रिस्पॉन्स का एरर आता है, ठीक है, तो ना आप ना इस ऑप्शन को देखो, वेदर इट हैज बिन ब्लॉक फ्रॉम दिस और नॉट, ठीक है, ये बकेट लेवल अप्लाई होता है, ठीक है, या जस्ट कीप दिस थिंग इन माइंड, ठीक है, समझ में आया सबको? यस ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर बाकी के भी ऑप्शन देखोगे ना, वो वैसे ही है। अभी देखो ब्लॉक पब्लिक एक्सेस टू बकेट्स एंड ऑब्जेक्ट ग्रांटेड थ्रू न्यू ACL। अभी समझो मैंने अभी इसको टिक करके रखा है और मैं एक्सेस कंट्रोल लिस्ट में से किसी चीज को एक्सेस देता हूँ, विल आई बी एबल टू गिव दैट एक्सेस और नॉट, ये बताओ मुझे। नो सर, नो नो। नो, क्यों? क्योंकि क्योंकि हमें हाँ हाँ बोलो। से यू कंटिन्यू फर्स्ट। नो नो नो, नॉट एन इशू, बोलो बोलो। नहीं, यहाँ से हमने किया ही नहीं है तो न्यू एक्सेस कंट्रोल लिस्ट से हम कोई भी दे ही नहीं सकते ना। आइदर वी एग्जैक्टली आर गिवन नियर द एनेबल एग्जैक्टली लिमिटेड एक्सेस। यस राइट। मतलब यहां से जो भी ऑप्शन सिलेक्ट कर रहे हो ना, इट विल हैव ओवरआर्किंग पावर, ठीक है, वहां पे जो भी कर रहे हो उसको अगर आपको वैनिश करना है तो यहां से करो, ठीक है। तो यहाँ पे ना किसी भी ACL से अगर आपको एक्सेस ब्लॉक करना है ना, तो यहाँ से ये ऑप्शन कर सकते हो, समझ में आ रहा है? ये सिर्फ न्यू ACL, ये इनेबल करने के बाद जो ACL क्रिएट हो गए उसके लिए ये अप्लीकेबल है, लेकिन एग्जिस्टिंग ACL को भी ब्लॉक करना है आपको, जो भी एक्सेसेस गिवन है उससे, तो ये ऑप्शन कर सकते हो, ठीक है। तो दीज आर द फोर ऑप्शंस, यू रीड इट वंस, ठीक है, तो उससे आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन एक चीज याद रखो बस, कि कभी भी आपको वहां पे कोई एक्सेस का इशू आता है या फिर क्रिएशन का इशू आता है, API रिस्पॉन्स इशू आता है, जस्ट मेक श्योर यू आर चेकिंग दिस पार्ट ऑफ द क्या बोल सकते हो टैब, ठीक है, परमिशंस टैब में, ब्लॉक पब्लिक एक्सेस में, वेदर आई हैव ब्लॉक्ड इट एट बकेट लेवल और नॉट, ये चेक कर लो बस, ठीक है, समझ में आ रहा है आपको?
समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक है चलो। देखो परमिशन में हमने समझ लिया कि इसकी यूटिलिटी क्या है, और ये तो समझ लिया ना कि ये सबसे ज्यादा पावरफुल चीज है एज कंपेयर टू बकेट पॉलिसीज और बकेट एंड ऑब्जेक्ट एसीएस। ठीक है, अगर यहाँ से ब्लॉक्ड है तो बकेट पॉलिसी भी कुछ काम नहीं करेंगी और ऑब्जेक्ट एंड बकेट एसीएल भी कुछ काम नहीं करेंगे। ठीक है, यहाँ से अनब्लॉक्ड है तो यू कैन मैनेज योर एक्सेसेस फ्रॉम बकेट पॉलिसी एंड ऑब्जेक्ट एसीएल। ठीक है, एंड बकेट एसीएल ऑल्सो। ठीक है, तो बकेट पॉलिसी को एडिट यहाँ पे ना आप देखो यहाँ पे स्टेटमेंट ऐड कर सकते हो, या फिर पॉलिसी जनरेटर से पॉलिसी बना सकते हो, या फिर यहाँ पे स्टेटमेंट ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो प्रिंसिपल क्या है पता है क्या? प्रिंसिपल ऑप्शन इसमें क्या होता है कि अगर आपको किसी पर्टिकुलर यूजर्स को इस बकेट का एक्सेस देना है, नॉट टू ऑल यूजर्स। ठीक है, अगर ऑल यूजर्स को देना है तो सिर्फ आपको शायद ये करना पड़ता है स्टार। इज इट एक्सेप्टिंग? नहीं क्या? देखते हैं हम लोग, एक बार देखते हैं हम लोग चैट जीपीटी को पूछ के देखते हैं। हेलो, मॉडिफाई पॉलिसी टू प्रोवाइड एक्सेस टू ऑल एक्शंस। All resources and all users in principle। ठीक है, क्या देता है देखते हैं। अच्छा हाँ, वो ये निकालना पड़ता था वो। ओके ठीक, चलो देखो ये ना, ये जो ऑप्शनल कोड्स है ना वो नहीं चाहिए यहाँ पे बस। ठीक है, तो हम लोग इसको पेस्ट करते हैं। चलो देखो, सिर्फ ये स्टार करोगे ना ऐसे तो आपका सब रिसोर्सेस को एक्सेस मिल जाएगा। कि प्रिंसिपल क्या है समझ में आया क्या आपको? व्हाट इज प्रिंसिपल बोलो। सर, द पर्टिकुलर यूजर वी कॉल्ड हियर द प्रिंसिपल, और हु इज द लो जी, यूजिंग द सर्विसेज रिसोर्सेज वी कॉल्ड हियर द यूजर प्रिंसिपल हियर। ओके हाँ बिकॉज सर, आपने जो वीडियो देखने को बोला था ना, उसमें हाँ वो प्रिंसिपल का मीनिंग उन्होंने रिसोर्स यूजर और यूजर बोला था। यस, रिसोर्स यूजर। बराबर बराबर बोल रहे हो ना, उसमें क्या दिक्कत है? हाँ हाँ रिसोर्स यूजर ही है ना, जिसको हम लोग एक्सेस दे रहे हैं। ठीक है, जिसको हम लोग एक्सेस प्रोवाइड कर रहे हैं उसको यहाँ पे डाल सकते हो। मल्टीपल चीजें भी डाल सकते हो, यू कैन प्रोवाइड अ लिस्ट ऑफ थिंग्स आल्सो। ठीक है, तो किस किस पर्टिकुलर, उसका एआरएन डाल सकते हो आप। एआरएन पता है, यूजर का एआरएन होता है पता है, अमेजोन रिसोर्स नेम सब चीजों का। यस हाँ, तो वो एआरएन यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हो। ठीक है, तो ये है बकेट पॉलिसी। आई डोंट क्या इशू है, देखते हैं क्या इशू हो सकता है बोलो। सेकंड, ओके ठीक है। एक सेकंड, हम लोग ना जो एरर आ रहा था ना हमें, वो लोग वो सर्च करके देख लेते हैं, अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगा। मुझे भी नहीं समझ में आ रहा है क्या इशू है। अरे सॉरी,
supported resource are in policy. Unsupported resource are in force. ये शायद ना हम लोग बकेट बकेट पॉलिसी चेंज कर रहे हैं ना, तो यूजर पॉलिसीज में रिसोर्स एक्सेस किसी सर्विस को देना है तो रिसोर्स डालते हैं, इसमें नहीं होता होगा, देखते हैं हम लोग क्लियर कर लेते हैं व्हाट इज द इशू। पॉलिसी पढ़ो आप मेरे साथ ही पढ़ो, कुछ समझ में आता है आपको, देखते हैं हम। देयर आर मैसेज अनसपोर्टेड रिसोर्स एरेंज टिपिकली मींस दैट एआरएन स्पेसिफाइड नेटवर्क नॉट रिकॉग्नाइज्ड और नॉट सपोर्टेड बाय S3। ओके इनकरेक्ट एआरएन फॉर्मेट नॉन S3 रिसोर्स एरेंज। Supported by S3 bucket policy. Okay. सर यस यहाँ पे हमने S3 बकेट की पॉलिसीज का ARN पुट किया है क्या, और वो जो ARN का पॉलिसी है ना बिफोर जो हमने की थी S3 सर्विस देने के लिए, उसका अलग है क्या शायद? यहाँ पे तो हमने स्टार ही लिया था ना, मतलब ऑल ऑल रिसोर्सेस लिया था, हमने कोई ARN पुट ही नहीं किया राइट, हाँ तो एज सच वो इशू नहीं आना चाहिए उसमें। I thought it's a different ARNs for the both the that's why it's give the error. नो नो नो, अब देखो ना हमने ARN कहाँ पुट किया है, यहाँ पे कहाँ पे ARN कहीं पे दिख रहा है आपको रिसोर्स में ARN कहाँ डाला है, हमने तो ऑल सबको अलाउ किया है राइट, हाँ सर ठीक है, तो ARN को कहीं डाला नहीं है हमने, ठीक है, लेट सी एक बार देख लेते हैं, अगर ये नहीं रिजॉल्व हो रहा है तो कल के लेक्चर में मैं इस पे क्या इशू है देख के बता दूंगा आपको, ठीक है। ARN पॉलिसीज करेक्ट फॉर्म एंड ARN चेक फॉर एंड कंडीशन चीज और पॉलिसी को मैं माय कॉपी से देख लूंगा। Granting allowance. Okay. यहाँ पे तो करेक्ट ही बोल रहे हो, आई डोंट नो इश्यू क्यों आ रहा है। ठीक है, मैं ना इस पे इसको करेक्ट करके क्या इशू है मैं आपको कल बता दूंगा, ठीक है, हम लोग वैसे भी बकेट पॉलिसी को अटैच नहीं करने वाले थे अभी के लिए, तो मैं कल बताऊंगा क्या इशू है ये रिसोर्स ARN का, याद दिलाना होगा, ठीक है। यस, तो हम लोग कहाँ पे थे, यू कैन अटैच अ बकेट पॉलिसी हियर, ओके। यस, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, हाँ
यस ऑब्जेक्ट ओनरशिप। हाँ तो ये चीज ना यहाँ पे देखो, अगर आपको ना ACL से कोई भी चीजें कंट्रोल करनी है ना, तो यहाँ पे ACL इनेबल करना पड़ेगा। तो आपके ऑब्जेक्ट ओनरशिप ना बकेट ओनर एनफोर्स नहीं रहेगी, बकेट ओनर प्रिफर्ड पे कन्वर्ट करोगे आप इसको, ठीक है। तो क्या होता है कि अगर ACL डिसेबल करके रख रहे हो ना, तो आपके बाहर के अकाउंट को ऑब्जेक्ट का एक्सेस प्रोवाइड करने का दूसरा मीडियम नहीं है। तो आपकी जो भी ऑब्जेक्ट ओनरशिप है, आपका बकेट ओनर ही मॉडिफाई कर सकता है, ठीक है। जो इन दिस केस आई एम माई AWS अकाउंट इज अ बकेट ओनर। अगर आपको ना आपके ऑब्जेक्ट्स और S3 बकेट का एक्सेस दूसरे इसको भी देना है, और इफ यू आर विलिंग टू प्रोवाइड मॉडिफिकेशन ऑफ योर ऑब्जेक्ट सेटिंग्स, इफ यू आर विलिंग टू गिव इट टू अदर्स ना, तो यू नीड टू गिव यू नीड टू इनेबल दिस ACL, ओके। तो यहाँ पे दो ऑप्शन है, बकेट ओनर प्रिफर्ड या ऑब्जेक्ट राइटर, ठीक है। ठीक है, तो आप बकेट ओनर प्रिफर्ड ही कर देते हैं आप लोग यहाँ पे, ठीक है। और इससे क्या होगा, यू विल हैव द ऑप्शन टू प्रोवाइड ACLs। तो अभी पब्लिक एक्सेस इज ब्लॉक्ड है, तो वो हम लोग हटा देते हैं, तो इसमें एडिट कर लेंगे फिर। अभी के लिए ये दोनों को दे देते हैं, ये दो ACL रिलेटेड है, उसको हम लोग डिसेबल कर देते हैं। देखो ये आपका हो गया ना बकेट ACL, तो ये आपको खुद करना है। मैं ना ऑब्जेक्ट लेवल ACL अभी बता देता हूँ आपको, ठीक है। बकेट लेवल ACL कैसे करना है, आप कोई वीडियो देखो उससे फिगर आउट कर लेना, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं अभी ऑब्जेक्ट लेवल ACL कैसे इनेबल करते हैं ना, टाइम बचा है क्या हमारे पास। व्हाट वी कैन डू इज वी विल कंटिन्यू विद दिस टुमारो। यहाँ तक हमारा परमिशंस का हाफ हो गया है, तो अभी इसको करने जाएंगे तो थोड़ा टाइम लगेगा। बकेट पे जाके बेसिक ही है वैसे वो, पाइथन में हमारा ऑब्जेक्ट है राइट। यहाँ पे जाके एक्शंस में ना यू विल हैव द ऑप्शन ऑफ मेक पब्लिक यूजिंग ACL, तो यू कैन मेक इट पब्लिक फ्रॉम हियर, ठीक है। मेक पब्लिक, ठीक है, इतना ही है। ऑब्जेक्ट लेवल एक्सेस पब्लिक करना यही है, ठीक है। तो इतने में हम लोग रुक जाएंगे अभी, क्योंकि लेट हो रहा है वैसे मुझे भी। तो हम लोग कल कंटिन्यू करते हैं कहाँ से, परमिशंस में आगे। आई एम एक्सपेक्टिंग कि ऑब्जेक्ट लेवल ACL आप कर लोगे। अगर इश्यू आता है ना बकेट लेवल ACL में, तो क्या करो, पहले तो चेक करो कि ब्लॉक आपका पब्लिक एक्सेस है या नहीं उस चीज के लिए, या फिर इफ देर आर एनी अदर इश्यूज तो हम लोग देखते हैं कल, ठीक है। CORS तो हम लोग लेंगे नहीं, क्रॉस ओरिजिन रिसोर्स शेयरिंग। इफ यू रीड द एक्सप्लेनेशन ऑफ इट ऑल्सो नाउ, यू विल अंडरस्टैंड कि दिस इज नॉट फॉर अस। CORS कॉन्फ़िगरेशन रिटर्न इन जेसन डिफाइंस अ वे फॉर क्लाइंट वेब एप्लीकेशन दैट आर लोडेड इन वन डोमेन टू इंटरेक्ट विद द रिसोर्सेज इन डिफरेंट डोमेन। जब आप वेबसाइट होस्टिंग करते हो ना, तब आपके एक डोमेन के रिसोर्सेज को अगर दूसरे डोमेन के रिसोर्सेज को एक्सेस करना है ना, तो CORS आप कॉन्फिगर करते हो। तो हमारे इसमें इसकी कुछ भी यूटिलिटी नहीं है, क्रॉस ओरिजिन रिसोर्स शेयरिंग, ठीक है। तो हम लोग ये लेंगे नहीं। तो हमें हमारा क्या बचा है, सिर्फ ये बकेट ACL बचा है। आई एम एक्सपेक्टिंग यू गाइस टू ट्राई इट ऑन योर ओन। इफ इट इज नॉट हैपनिंग फ्रॉम योर एंड, तो हम लोग क्लास में देखते हैं, ठीक है। तो आज मैंने क्या क्या करने के लिए बोला है, वैसे हम लोग कल मेट्रिक्स मैनेजमेंट और एक्सेस पॉइंट, एक्सेस पॉइंट तो कुछ है नहीं उसमें, थ्योरी देखेंगे। मैनेजमेंट में कल बहुत चीजें हैं, लाइफ साइकिल रूल्स है, रेप्लिकेशन रूल्स है, विल डेमोन्स्ट्रेट दिस थिंग्स। इन्वेंट्री कॉन्फ़िगरेशन हम लोग नहीं लेंगे, हमारे इतना यूज नहीं है इसका। ये दो चीजें इंपॉर्टेंट है, रेप्लिकेशन रूल और लाइफ साइकिल। और मेट्रिक्स में हम लोग व्हाट आर द मेट्राइसेस, कहाँ पे देख सकते हो, क्या है, ये देख लेंगे बस। वो सिर्फ ऑब्जर्वेशन है, मेन चीज तो कल ये दो चीजें है जो ये आप बहुत ज्यादा यूज करते हो, ठीक है। तो मैंने क्या बोला है आज परफॉर्म करने के लिए, क्या क्या चीजें बोली है वैसे, किसी को याद है? ऑब्जेक्ट लॉक का बोला था, खुद से कर लो राइट। अरे बोलो। हाँ हाँ ना, ठीक है।
आवाज आ रही है ना मेरी? सब यस सर। लोग थक गए हो क्या? कोड रिस्पॉन्सेस आ रहे, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट लॉक का कर लो, और परमिशंस में ना बकेट लेवल एसीएल ट्राई कर दो। ऑब्जेक्ट लेवल एसीएल हमने देखा कैसे करना है, ठीक है, जल्दी से देखा, लेकिन देखा। कल हम लोग फिर से देखेंगे अगर किसी को नहीं समझ में आया होगा, ठीक है। कुछ नहीं करना है, बस यहाँ से ब्लॉक पब्लिक एक्सेस हटाना पड़ेगा एसीएल के लिए, और डायरेक्टली ऑब्जेक्ट्स पे चले जाओ। ऑब्जेक्ट को जब सिलेक्ट करोगे ना, तो एक्शंस में आपको ऑप्शन मिलता है मेक पब्लिक यूजिंग एसीएल, तो वही करना है, ठीक है। तो इतने पे रुकते हैं हम लोग, किसी के कोई डाउट्स है, कंसर्न है, बोल दो, ठीक है। चलो, कोई डाउट्स, कोई चीज है ऐसी है समझ में नहीं आया? हाँ इट्स बोलो बोलो। अ वेरी बेसिक क्वेश्चन। यस मीन्स हम जब AWS कंसोल मैनेजमेंट को ओपन करते हैं तो रूट यूजर करके और IAM यूजर करके दोनों में से अभी अभी S3 जो करना है तो रूट यूजर करके करना है या IAM यूजर करके करना है लॉगिन? ओके ठीक है। देखो, प्रिफरेबली ना आप IAM यूजर से करना अच्छी बात होती है, लेकिन देखो हम लोग कोई ऑर्गेनाइजेशन तो है नहीं, रूट यूजर से भी करोगे तो कुछ दिक्कत नहीं होती, ठीक है। यू विल हैव ऑल द परमिशंस, अदरवाइज क्या कर सकते हो? IAM यूजर को एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सेस देकर IAM यूजर से भी कर सकते हो। हाँ सर, वो जब किया था ना पॉलिसीज क्रिएट, तो एडमिनिस्ट्रेटिव का ही दिया था मैंने IAM यस यूजर को, ओके तो इसीलिए मैंने पूछा कि दोनों में से डिफरेंस क्या है। मीन्स IAM यूजर करके क्या होता है और रूट कुछ यूजर नहीं, करके? मतलब मैंने बोला था ना कि रूट यूजर ऑर्गेनाइजेशन लेवल अकाउंट होता है जिसको एडमिन प्रिविलेजेस होते हो, IAM यूजर आप यूज करते हो जनरली, तो इट इज रिकमेंडेड टू यूज IAM यूजर, क्योंकि आपके पास रिस्ट्रिक्टेड प्रिविलेजेस है, यू विल नॉट गो बियॉन्ड व्हाट इज नीडेड, ओके। लेकिन इस केस में तो दोनों के ओनर हम ही है ना, यस समझ सर, में आया क्या आपको? यस सर, तो अगर आप रिस्पॉन्सिबली रूट यूजर से कर पा रहे हो, नॉट एन इश्यू, लेकिन अगर IAM यूजर से भी करना है तो कुछ इश्यू नहीं है, प्रिफरेबली करो IAM यूजर से, कुछ दिक्कत मैं नहीं। इसके आगे के भी कोई भी सर्विसेज तो IAM यूजर से किया तो चलेगा? यस यस यू कैन डू दैट, यू कैन डू दैट। थैंक यू जस्ट सर। कभी कभी क्या होगा कि सारी चीजों की परमिशन आपने नहीं दे दी है सब, ठीक है, तो दिक्कत आती है, लेकिन अगर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सेस दे दिया है तो कुछ दिक्कत नहीं है, ओके सर, थैंक यू। ठीक। यस, एनी अदर क्वेश्चंस पूछो, कुछ है? हाँ नहीं, राइट? जी, मैं अगर बकेट क्रिएट करने के बाद डिलीट करना है या रख सकते हो वैसे ही, उसको कोई चार्जेस लगेगा? नहीं, देखो 5 GB तक का डेटा अगर आप मंथली रखते हो ना, तो आपको कुछ चार्जेस नहीं है, फ्री टियर में आता है वो 5 GB तक। लेकिन ओके अब आप तो इतनी बड़ी तो कोई फाइल नहीं डालोगे, नहीं, राइट? बकेट क्रिएट करके रख सकते हो, कुछ इश्यू नहीं है, मेरी तो बहुत सारी क्रिएटेड है, ठीक है। हाँ, तो 5 GB तक का लिमिट है उसको, 5 GB तक स्टोरेज फ्री है। और कोई कंसर्न, कुछ परफॉर्म करने में दिक्कत, इसके पहले कुछ इश्यू आए हैं? ठीक है, बोला करो बस, ठीक है। आज तो हमने कोई क्वेश्चन नहीं पूछे ना किसी को, चलो एक दो हेलो। लोग। यस हाँ चिन्मय, यस वो जब एडिट बकेट पॉलिसी कर रहे थे अपन, तो वो पॉलिसी जनरेटर से पॉलिसी नहीं कर कर सकते क्या? सकते हो, कर कर सकते सकते हो, हैं? यस यू कैन डू। अच्छा, तो ओके, वहां से कॉपी पेस्ट करना पड़ता है, हाँ, वहां पे आपको जेसन में दिख जाएगा ना, हाँ। वहां से कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे डालो। तो सर फिर वो रिसोर्स रिसोर्स में कोई एरर नहीं आएगा जैसा अभी आ रहा था आज? ओके ठीक है, मतलब आप ट्राई करके देखो, अगर आपका होता है ना, ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कल, नहीं तो अभी तो टाइम नहीं है, इसीलिए ट्राई नहीं कर रहे हम लोग, ठीक है। आप ओके अपने एंड से एक बार ट्राई करके देखो पॉलिसी जनरेटर से, लेकिन ओके उसमें भी रिसोर्स का तो ऑप्शन आता ही है ना, लेट्स सी व्हाट हैपेंस, ठीक है। आप बताना कल, ठीक है, ठीक है। ओके। और कोई क्वेश्चन कंसर्न? वो ELR से अगर EC2 इंस्टेंस बनाए यस और टर्मिनेट नहीं किए तो वहां भी चार्जेस होते हैं क्या या यस फिर? यस देखो टीनू, होता क्या है, आप कौन से भी वे से करो, वो आपके AWS अकाउंट में क्रिएट तो हो रहा है ना। व्हाट यू कैन डू इज यू क्रिएट एन इंस्टेंस फ्रॉम CLI, ठीक है,
और कंसोल में जाके देखो, वो दिखता है वहां पे, राइट, कंसोल में भी हाँ सर, दिखता है। हाँ तो आप कंसोल से क्रिएट करो, सीएलआई से क्रिएट करो, ऑटो3 से क्रिएट करो, चार्जेस तो इनकर करता ही है। तो इट इज एडवाइजेबल नॉट टू फॉरगेट टू टर्मिनेट, ठीक है। ठीक है सर, ठीक एक्चुअली सर आई हैव अ सेम क्वेश्चन यस्टरडे, बट आई थिंक यू योर पॉइंट ऑफ व्यू इज अ क्वेश्चन इज नॉट मच इम्पोर्टेंट, दैट्स व्हाई आई एम नॉट आस्किंग दैट. नहीं, क्या बोलो ना, ऐसे क्यों बोल रहे हो, क्या एक्चुअली बोल रहे सेम क्वेश्चन था टीनू का जैसा मेरा, कि सी एल आई पे हमने जो किया था ना, कर रहे थे, हाँ। उस पे भी चार्जेस होते हैं क्या एक्चुअली? यस यस, देखो ना प्राची, मैं वही बोल रहा हूँ, ऐसे मत सोचो पहले तो कि मेरे पॉइंट ऑफ व्यू में इम्पोर्टेंट नहीं है क्वेश्चन, ठीक है। मैं कभी कभी ऐसे मजाक में बोल देता हूँ कि हाँ लेवल, एक्चुअली आपने एक टाइम बोला था ना कि क्वेश्चन का क्वालिटी लो हो रहा है, इसीलिए मैंने नहीं. नहीं, थोड़ा ह्यूमर में भी लिया करो कुछ चीजें, ठीक है। तो इतना ज्यादा हेजिटेट मत करो, ठीक है, पूछो, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, तो मैं वही बोल रहा हूँ कि आप कोई भी वे में अगर आप रिसोर्स प्रोविजनिंग कर सकते हो, करते हो, रिसोर्स प्रोविजनिंग मतलब कोई भी सर्विस का यूज, तो वो सेम ही चार्ज करेगा। समझ में आ रहा है आपको? वेदर यू आर यूजिंग फ्रॉम कंसोल, फ्रॉम सीएलआई, फ्रॉम वोटो3, ठीक है, सेम ही चार्ज करेगा। क्योंकि ना वो एक ही जगह पे तो क्रिएट हो रहा है ना, आपकी AWS अकाउंट में ही क्रिएट हो रहा है, राइट। यस सर, उसका एडिशनल कॉस्ट नहीं है, लेकिन जो भी कॉस्ट कंसोल से आ रहा है वही कॉस्ट सीएलआई से आएगा। लेकिन सर वो जो यूनिक्स लिनक्स का था ना, कि वो हाँ फ्री टीयर में आता है, दैट्स यस, व्हाई आई एम कंफ्यूजिंग कि होता है या ओके नहीं. ओके। चार्ज मतलब वैसे बोल रहे हो क्या कि हाँ हाँ वो अभी पैसे लगेंगे या नहीं? अभी तो वो फ्री टियर में है ना। हाँ इंस्टेंस क्रिएट वगैरह करना था ना सीएलआई पे, तो यस यस यस, तो इसी टू अभी के. सीएलआई से करोगे ना, तो जो AMI यूज करोगे ना, तो वो फ्री टियर की AMI यूज करना ना, उसकी ARN डालना AMI का, ठीक है। तो मुझे कंफ्यूजन क्या हो रहा है पता है क्या, व्हाट इज चार्जेबल एंड व्हाट इज नॉट चार्जेबल। देखो, ये फ्री टियर भी चीज है ना, आपके लिए फ्री दी है, ठीक है, अभी के लिए 12 महीने के लिए, बारह यस महीने के बाद तो ये भी चीज चार्जेबल ही रहेगी। समझ यस सर, में आया ना आपको? तो यस आप मतलब, मैं कंफ्यूज हो गया कि आपको पूछना क्या है, कि मुझे पैसे लगेंगे ये पूछना है, कि वेदर AWS चार्जेस फॉर दिस थिंग और नॉट, ये पूछना है, ठीक है। आई आई अंडरस्टूड कि आपको क्या पूछना है अभी। तो आप देखो, अभी फ्री टियर के जो भी चीजें यूज करोगे ना, उससे आपको चार्जेस नहीं लगेंगे, ठीक है, ना ओके सीएलआई से लगेंगे ना कंसोल से लगेंगे। लेकिन वो सर, इंश्योर करो कि फ्री टियर का यूज करो। थैंक यू. हाँ, हेजिटेट मत करना प्राची क्वेश्चन पूछने के लिए, ठीक है। ऐसे यस ऐसा नहीं है कि मैं आपको डिस्करेज कर रहा हूँ, नो सर, मैंने ऐसे ही ह्यूमर में बोल दिया वो उस दिन, ठीक है। आई विल बी मोर केयरफुल, ठीक है। नो सर, इट्स नॉट लाइक दैट, बट आई आल्सो केयरफुल कि व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चन आई एम आस्किंग इज द इम्पोर्टेंट, बिकॉज द टाइम लिमिट इज मोर, यस, टाइम ठीक लिमिट इज है, देयर, बट वो अच्छी यस बात है, यू शुड फिल्टर इट एट योर ओन एंड, यस लेकिन यस हेजिटेट नहीं करना है कि ये क्वेश्चन लेजिटिमेट है या नहीं, या फिर ऐसे मत करो कि पूछो, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको लगता है ना, आपको डाउट है तो पूछो। ओके थैंक यू, थैंक यस, यू टीन ऑल्सो. चलो, और ठीक है, और कोई डाउट, कोई कंसर्न? लास्ट कॉल, नहीं तो एंड करते हैं हम लोग, ठीक है। चलो, हम लोग कल मिलते हैं, देखते हैं मैनेजमेंट का पार्ट, लाइफ साइकिल रूल्स, रेप्लिकेशन रूल्स, कल देखेंगे सर हम। मैं यस सॉरी यार, जस्ट द लास्ट वन. यस ये बोलना था कि जो टर्मिनेट वाली जो चीज है आपने हमें बताई थी, सो इट इज फॉर द हैबिट थिंग ऑफ व्हाट फॉर फ्यूचर, यस बिकॉज यस, अभी तो कुछ चार्जेबल नहीं है, एज यू सेड यू नहीं, टियर अभी ना. चार्जेबल नहीं है, ऐसा नहीं है शनता। आप अगर फ्री टियर में देखोगे, EC2 ओके इंस्टेंस के लिए 750 आर्स पर मंथ चार्जेबल है, फ्री है, 750 आर्स। अगर आप EC2 इंस्टेंस अभी प्रोविजन करके रखते हो, हुआ क्या ना, चलो मैं अपने ही बात बता देता हूँ। हमने मंडे को लेक्चर लिया, मैंने एक EC2 इंस्टेंस प्रोविजन करके रख दिया, तो मुझे कल दिखा कि वो रनिंग है, तो 32 आवर्स यूज हो गए थे उसमें, ठीक है। ओके समझ यस में आ रहा है? व्हाट यू कैन डू इज गो टू बिलिंग डैशबोर्ड। नाउ बिलिंग हाँ डैशबोर्ड में फ्री टियर करके ऑप्शन है, तो व्हाट आर द थिंग्स इन फ्री टियर एंड हाउ इन व्हाट परसेंटेज यू हैव कंज्यूम्ड, यू कैन सी देयर, ठीक ओके है। स्मार्ट फ्री यस टियर है मतलब सब कुछ फ्री है, ऐसा नहीं है, उसके टाइम वो सब चीजें, 750 आवर्स ऑफ EC2 इंस्टेंस,
जो भी इंस्टेंस टाइप फ्री टियर में है वो आपके लिए फ्री है। ऐसा नहीं है कि आप प्रोविजन करके रख दोगे और सब कुछ फ्री है, ऐसा नहीं। नॉट ओनली आई वॉन्ट टू आस्क, ओके गॉट इट, यस ओके श्योर। थैंक यू। हाँ तो अगर कोई भी डाउट है ना ऐसे, तो फ्री टियर में जाके एक बार विजिट कर लो। सो दैट क्या होगा, आपको अपने एंड से अंडरस्टैंडिंग आएगी और वो एटलीस्ट फियर निकल जाएगा कि किस किस पे चार्जेस आएंगे, किस पे नहीं आएंगे। ठीक है, तो ट्राई टू गो टू फ्री टियर, आपका यूसेज देखो, सो दैट यू विल हैव एन अंडरस्टैंडिंग। ओके ओके डन, थैंक ओके यू। ठीक है, चलो बोलो शिवराज, बोलना चाहते हो? सर हम लोग 20 इंस्टेंसेस क्रिएट कर सकते हैं ना सिर्फ? हाँ देखो, हाँ वैसा क्या है पता है क्या, अभी जो नॉर्मल AWS अकाउंट है कोई भी, तो उसके लिए मैक्सिमम नंबर ऑफ इंस्टेंसेस क्रिएट करने की एक लिमिट लगाई है AWS, ठीक है, दैट इज 20। यस बट यस जो ऑर्गेनाइजेशन है या फिर आपका भी कुछ होगा, आपकी कुछ रिक्वायरमेंट होगी, व्हाट यू कैन डू इज यू कैन रेज अ सपोर्ट टिकट टू AWS एंड आस्क देम टू एक्सपैंड दिस लिमिट। ठीक है, अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन जब EMR वगैरह क्लस्टर यूज करते हैं ना, तो उनकी तो 20 से ज्यादा इंस्टेंसेस लगते ही होंगे ना उनको, तो यस दे यस व्हाट दे डू इज दे रेज अ टिकट टू AWS सपोर्ट और वो फिर एक्सपैंड करके दे देते हैं आपकी अकाउंट की लिमिट। ठीक है, लेकिन डिफॉल्ट लिमिट इज 20। गुड पॉइंट एक्चुअली भाई शिवराज। ठीक है, बट मेरा ये कंसर्न ये था कि हम लोग क्या करते हैं, इंस्टेंस क्रिएट करते हैं ना, तब हाँ वो टर्मिनेट कर देते हैं, फिर हाँ बाद में इंस्टेंस क्रिएट कर देते हैं, नहीं, वो पैरेलली पैरेलली बीस, वो लिमिट मेरे को नहीं जानना नहीं था। वो नहीं, वो नहीं, पैरेलली 20, अच्छा, पैरेलली मतलब एक टाइम पे मतलब हम 20 इंस्टेंस राइट, क्रिएट कर सकते हैं ना? 20 से ज्यादा अभी के लिए नहीं कर सकते, या ओके ओके अभी करके मत देखना यार, 20 20 बहुत ज्यादा होता नो 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 है। ठीक है, अभी समझ में आएगा ये लास्ट पॉइंट, अच्छा पॉइंट रेज किया कि ऐसी ऐसी चीजें बताया करो क्लास में, ठीक है, तो आई कैन क्लैरिफाई ऑल्सो सर्टेन थिंग्स वी मिस आउट, ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट नहीं लगती है, लेकिन दिस इज अ गुड पॉइंट विच शिवराज हैज मेंशन, ठीक है, तो समझ में आया क्या बाकी लोगों को क्या बोल रहे हो? यस ठीक है ना, हाँ, तो हम ना मैक्सिमम 20 इंस्टेंस एक साथ प्रोविजन कर सकते हैं इन योर अकाउंट, अभी के लिए वो आपकी AWS अकाउंट की लिमिट है, लेकिन दिस इज एक्सपेंडेबल इफ यू कनेक्ट विद AWS सपोर्ट, ठीक है, दे डू एक्सपैंड। ठीक है चलो, और कोई नहीं है क्वेश्चन, राइट, हम लोग एंड कर सकते हैं अभी। हेलो यस सुरेश बोलो। सर, अपन AWS सर्विस के अंदर जाकर बिलिंग जो रहता है उसके अंदर मैंने चेक किया तो मेरे इस पे 6 सर्विसेज एक्टिव बता रहा है, तो वो सर्विसेज के अंदर अभी प्राइस तो 0-0 बता रहा है, लेकिन वो चार्जेबल कब रहता है, ऐसा कुछ बता सकते सर? 6 सर्विस एक्टिव, कौन सी सर्विसेज है ऐसा उतना ये मत करो, मतलब एक्टिव सर्विसेज आई डोंट नो, जो आपने नॉन बोल सकते हो, नॉन अभी मेरे इसमें चार्जेबल बता रहा है वो चीजें भी। क्लाउड वॉच, डेटा ट्रांसफर, EC2 है, लैम्डा, S3, और मैंने VPC ओपन किया था बीच में, तो ये एक्टिव बता रहा है, तो वो डीएक्टिव कैसे कर सकते सर? नहीं, वो जरूरत नहीं है, वो चार्ज नहीं कर रहा है ना आपको कुछ। अभी तो नहीं चार्ज करा, लेकिन वहां पे कंडीशन दिया है कि नेक्स्ट बिलिंग में वो चार्ज होगा, ऐसा कुछ नीचे। शेयर करो स्क्रीन, देखते हैं। वन मिनट, अरे इतना मतलब वो नहीं है, मेरे भी इसमें बहुत सारी दिखाते हैं एक्टिव। ओके, तो चार्जेबल नहीं, तो फिर शेयर करो या स्क्रीन। कर दो ना, देखते हैं ना, सबको समझ में आएगा एटलीस्ट, उनका भी अगर सेम ही टाइप का कुछ होगा तो। एक सेकंड रुको, मैं मुझे भी देखना है। हाँ करो करो, यस हाँ, बिलिंग में जाओ, बिलिंग डैश, ओके बिलिंग डैश, ये टोटल नंबर ऑफ एक्टिव सर्विसेज 6 बता रहे सर, मैं नीचे जा अभी यहाँ पे। हाँ हाँ। अरे एक्टिव सर्विसेज मतलब अब भी ना रिसेंट हाँ एक्टिविटी में आपने जो भी चीजें यूज की है वो है, नॉट नेसेसरली वो चार्जेबल है। देखो ओके 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 हाँ, तो मुझे लगा इंस्टेंस जैसा उसको भी टर्मिनेट करना है जरूरी है कुछ ऐसा, नहीं, जो नहीं चीजें ना? यूज कर रहे हो उसको डीप्रोविजन करा करो बस, ज्यादा ओके टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, डर डर के मत करना, ठीक है,
ऐसा ओके कुछ नहीं होगा कि आपका बिल आ गया गलती से तो आपके घर घर पे कोई वो लोग भेजने वाले हैं, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं नहीं फैसिलिटी नहीं ठीक पे है कोई नहीं भेजेगा आपको आपके घर पे, ठीक है। तो वो ओके सब चीजें अगर गलती से हो जाती है ना, AWS सपोर्ट को हम लोग टिकट रेस कर सकते हैं ओके आपको। ठीक है चलो यार मैं बता देता हूँ कैसे रेस करना है, ठीक। लेकिन फालतू की चीजों के लिए मत करना कि यार दो नहीं नहीं रुपए नहीं कनेक्ट नहीं सर उसके लिए नहीं कर दिया, चलेगा ऐसे मत ठीक करना, ठीक है। हाँ तो थैंक यू यहाँ पे सर जाओ ऊपर, थर्ड ऑप्शन कौन सा वहाँ पे क्या बोलते हैं, पेमेंट्स क्लाउड सेल कंसोल है, मुझे कंट्रोल दे सकते हो क्या? वो कहाँ से दे सकते हैं ऑप्शन होता है कि कंट्रोल कोई सा? हाँ रिक्वेस्ट रिमोट कंट्रोल कर दिया। ये करो उसको कहाँ पर करना है सर अप्रूव करो, जूम का रिमोट कंट्रोल मैं ले रहा हूँ, ओके ओके हाँ ठीक है ठीक ठीक है। चलो यहाँ पे ना एक ऑप्शन है सपोर्ट का, ठीक है। इफ आई क्लिक हियर, सपोर्ट सेंटर का ये ऑप्शन ओके है, यस हम लोग यहाँ पे जा सकते हैं। देखिए यहाँ पे देखो दो ऑप्शन आते हैं आपको टिकट रेस करने हैं ना, तो अकाउंट एंड बिलिंग टेक्निकल, हमारा टेक्निकल इशू नहीं है, अकाउंट एंड बिलिंग रिलेटेड है। तो हम ओके लोगों को ना यहाँ पे ये करना है कि सॉर्ट ऑफ बिलिंग ना, तो यहाँ पे आपको ना बहुत सारे FAQs में मिल जाएंगे, ठीक है। तो आपको कोई कंसर्न होंगे ना यहाँ पे जाके देख लिया कर कि ये देखो लर्न अबाउट AWS फ्री टियर, मैनेजर कॉस्ट विद AWS बजट, ये कभी कभी टाइम मिलता है ना तो पढ़ लिया करो, सो दैट ना एक चीज है बोलूँ क्या आपको कि कॉस्ट रिलेटेड जो भी चीजें हैं ना मार्केट में ना बहुत कम लोगों को, जो भी टेक्निकल सीनियर डेटा इंजीनियर्स है उन लोग कॉस्ट के बारे में बहुत कम पता होता है। तो इट विल बी एन एडेड एडवांटेज फॉर यू इफ यू एक्सप्लोर दिस थिंग्स ऑन योर ओन, ठीक है। ओके तो आपको ना अगर पढ़ने का शौक है ना डॉक्यूमेंट कोई भी, तो ट्राई टू लर्न अबाउट इट, ठीक है। तो आपके लिए यूजफुल होगा ये, कभी ना आप ये चीजों से आगे वाले को इम्प्रेस कर सकते हो, क्योंकि मोस्ट ऑफ द लोगों को ये चीज नहीं पता होती। यहाँ पे क्रिएट केस कर सकते हो, देखो यहाँ पे ऑप्शन है क्रिएट केस का, ओके विल बी एबल टू सिलेक्ट दिस अकाउंट एंड बिलिंग, व्हाट व्हाट इज द इशू। तो हाँ ठीक है चलो, अकाउंट रिलेटेड है, क्या हो सकता है हमारा इशू अभी, ओके ओके बिलिंग रिलेटेड इशू है, राइट। सिलेक्ट कैटेगरी, अकाउंट री इंस्टेंटमेंट चार्ज इंक्वायरी कंसोलिडेटेड बिलिंग, ओके डिस्प्यूट चार्ज, आपको लग रहा है कि आपको बहुत चार्ज आ गया है, डिस्प्यूट चार्ज कर सकते हो, जनरल क्वेश्चन कुछ भी डालो। मतलब देखो वो लोग कांटेक्ट करते हैं आपको बाय कॉल या फिर बाय मेल जनरली, ओके हाँ तो कॉल पे प्रिफर करो, वो लोग ना गाइड करते हैं आपको कि हाँ, तो उतना ही होता है बस उनका, सिर्फ इंग्लिश में सपोर्ट है, ठीक है। तो इफ यू आर कंफर्टेबल विद दैट दे डू सपोर्ट यू इन अ नाइस मैनर, वो आपके सारे कंसर्न अच्छे से रिजॉल्व करते हैं, ठीक है। आपको सिर्फ उनको एक्सप्लेन करना है कि ये मेरे से गलती से हो गया, या फिर आई एम अ स्टूडेंट हु इज एक्सप्लोरिंग AWS एंड आई वॉज नॉट अवेयर ऑफ द कॉस्ट दैट आर इनकर्ड, ठीक है। ओके सर वो सब चीजें उनको बतानी पड़ती है, ठीक है। थैंक यू सर ओके चलो अनशेयर करो स्क्रीन, सर आपके पास कंट्रोल है उसका ओके 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 ठीक है चलो एंड करते हैं अभी, और कोई इशू नहीं, राइट। ठीक है चलो, मैंने जैसे बोला है ना आप दत्ता सर को फीडबैक प्रोवाइड कर सकते हो, इफ यू कैन देखो पॉजिटिव भी फीडबैक दे सकते हो, नेगेटिव भी दे सकते हो, प्रोवाइड फीडबैक कि हमें लेक्चर नहीं समझ में आ रहे, बहुत गंदा पढ़ा रहे, या फिर कुछ भी बोल रहे हैं, हमारे डाउट नहीं ले रहे, ये भी बोल सकते हो, या फिर ठीक ठाक पढ़ा रहे ये भी बोल सकते हो, या फिर अच्छा पढ़ा रहे ये भी बोल सकते हो। लेकिन प्रोवाइडिंग फीडबैक इट इज अ गुड थिंग कि दत्ता सर को भी अंडरस्टैंडिंग आएगी वेदर टू व्हाट चेंजेस दैट नीड्स टू बी मेड, क्योंकि आपको ना सीखना बहुत जरूरी है। अगर आप अभी से मतलब आपको अभी दिक्कत आएंगे ना 2 महीने में अच्छे से नहीं कर पाओगे तो आपको प्लेसमेंट में दिक्कत होगी, ठीक है। तो इट इज बेटर टू प्रोवाइड दिस फीडबैक्स नाउ ओनली, सो दैट बाद में रिग्रेट नहीं करो कि यार किसी और ने पढ़ाया होता या फिर किसी और अप्रोच से पढ़ाया होता तो हेल्प हो जाती, ठीक है। तो यू शुड प्रोवाइड फीडबैक्स, चलो एंड करते हैं अभी, चलो बाय गाइस। थैंक यू
थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर।